जी ये पक्का लास्ट लेक्चर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का आ, रिवीजन लेक्चर पिछले करीब तीन घंटे की क्लास हुई है और तीन घंटे की ही क्लास हुई होगी जिसमें हमने चार घंटे की क्लास हुई है टोटल मिलक। जिसमें हमने टोटल बॉन्ड्स के विषय में पढ़ा टोटल छः पॉइंट्स पढ़े और कोई शक नहीं क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है तो आपको भी मालूम है कि इक्विटी वैल्यूएशन और बॉन्ड वैल्यूएशन में बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है ठीक है सर तो अब बात किसकी करेंगे अब बात करेंगे हम इक्विटी वैल्यूएशन की सिंपल है पहले से पढ़ा हुआ है सर सी ए फाइनल में क्या सी ए फाइनल में नहीं सी ए इंटर में भी पढ़ा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं क्या है इक्विटी वैल्यूएशन इक्विटी क्या होता था इक्विटी वैल्यूशन में सुनो बच्चे सुनो ध्यान से हम जितना भी अगर हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे ठीक है तो हमें ये डिसाइड करना है कि इक्विटी खरीद खरीदने से पहले ये डिसाइड करना है कि यार हमें लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो सर इसके लिए जैसे बॉन्ड का वैल्यूएशन करते थे वैसे इक्विटी का वैल्यूएशन करेंगे बॉन्ड में क्या मिलता था सर बॉन्ड्स में हमको इंटरेस्ट मिलता था उसका प्रेजेंट वैल्यू करते थे यहाँ क्या मिलेगा यहाँ सर हमको डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू करेंगे सिंपल सी बात है और डिविडेंड जो फ्यूचर में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू इसमें दो फॉर्मूले होते थे एक परपेच पहले मैं नॉर्मल की बात करूं तो एक वॉल्टर्स मॉडल पढ़ा था आज तक क्वेश्चन नहीं आया है सर वॉल्टर्स मॉडल हमने कहाँ पढ़ा था वॉल्टर्स मॉडल पढ़ा था आपने सी इंटर में और यहाँ भी फॉर्मूला दे दिया है इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मेट्री में फार्मूला लिखा हुआ है लेकिन उस पर आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है पर फिर भी मैंने करवा दिया एक वॉल्टर्स मॉडल से हम शेयर का प्राइस निकालते थे जिसको हम पी जीरो बोलते थे और एक पढ़ना है बेसिकली जो काम की चीज है वह है गोडेंस मॉडल और गॉर्डंस मॉडल मतलब इसको क्या बोला जाता है ग्रोथ मॉडल ग्रोथ मॉडल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इसे शेयर का प्राइस निकालना है और डिसाइड करने कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना अब ग्रोथ मॉडल में भी दो है सिंगल पीरियड मतलब परपेचुअल ग्रोथ हाँ, परपेचुअल ग्रोथ और दूसरा है मल्टीपल ग्रोथ ठीक है बस खत्म बाकी प्राइस अर्निंग रेशियो है तो वो तो हमको आता है हम स्टार्ट करते टाइम बिना खराब की तो पार्ट नंबर टू इक्विटी वैल्यूशन चल रहा है यस सर पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा बड़ा कर दूं क्या तो पढ़ाऊ में एक बार शब्दों को पढ़ लेता हूं ज्यादा वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ठीक है आपको क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालना या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मार्केट सही है सर और डिसाइड कैसे करना इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना सीधी सी बात है और सर इंटरेंसिक वैल्यू जैसे बॉन्ड में डिसाइड करते थे अगर इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट प्राइस से तो यार जितना लगा रहे उससे ज़्यादा कमाएंगे खरीदो तो ये सब डिसीजन क्राइटेरिया लिखा हुआ ठीक है अब इक्विटी वैल्यूएशन में दो फॉर्मूले वॉल्ट्रस और गॉड और वॉल्टर्स का फॉर्मूला कैसे क्या है ये आपको पता होना चाहिए हालांकि सी ए इंटर का है पर फिर भी मैंने बताया था जो डिविडेंड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू वॉल्टर्स मॉडल क्या एज्यूम कर रहा था कि जो डिविडेंड मिलेगा वो परपेचुअल मिलेगा अच्छा ये एजमसन से ही काम हो रहा कि परपेचुअल मिलेगा एक बार शेयर खरीदे डिविडेंड अब परपेचुअल हो तो हम फॉर्मूला कैसे है? सर कैश फ्लो डिवाइडेड बाई आई या फिर ए बाय आई कुछ करते थे परपेचुअल में वही कर रहा है डिविडन डिवाइडेड बाई के वॉल्टर्स का और एक कहना था कि सर जितना कमाएंगे उसमें से डिविडेंड तो बांट देंगे उसके बाद भी तो पैसा बचेगा यस और जो पैसा बचेगा उसको हम री करेंगे आर पर और उसका भी क्या करना प्रेजेंट वैल्यू और फिर सबका प्रेजेंट वैल्यू कर देना लॉजिक मैं आपके सामने रख दिया हूं तो प्लीज लॉजिक क्योंकि बहुत टाइम लगे फाइनली डिविडेंड अर्निंग में से जो डि जो बचाया उसको इन्वेस्ट किया आर पर डिवाइडेड बाय के और होल डिवाइडेड बाय के किया ये फॉर्मूला आपको लॉजिक के साथ पता है क्वेश्चन नहीं है तो इस इसमें ज़्यादा मेहनत ना भी करो तो चलेगा एग्जाम्पल लिया था मैंने मान लो बीस रुपए कमाया सर ठीक है बीस रुपए कमाया डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है सर सेवेंटी परसेंट तो बीस रुपए का ट्वेंटी रुपीज़ का सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी का सेवेंटी ट्वेंटी का सेवेंटी परसेंट तो सर फोर्टीन रुपीज डिविडेंड हो गया और ट्वेंटी में से फोर्टीन माइनस कर दिया तो बचाया कितना सिक्स और सिक्स को जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं हम वो फिफ्टीन परसेंट पे और उसका हमको क्या करना है केई प्रेजेंट वैल्यू अब केई -E भी बोल सकते हो आर ई e भी बोल सकते ठीक है ठीक है आंसर कितना आ गया टू थ्री जीरो वॉल्टर्स मॉडल आता नहीं है इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं भी करोगे तो चल जाएगा इस। रहे आगे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई गोर्डन्स मॉडल इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा गॉर्डन मॉडल पढ़े गॉर्डन मॉडल सबसे पहले स्टेबल ग्रोथ या फिर इसको मैं बोल सकता हूं परपेचुअल ग्रोथ लिख लेना नाम इसमें मैं टाइम खराब नहीं करना परपेचुअल ग्रोथ के हिसाब से काम कर डी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी इस मैटर पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा कुछ भी रिवीजन में तो यार ये फॉर्मूला अगर मैं रिवीजन में समझाऊंगा हाँ डी वन का मतलब हमने क्या बोला था सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ठीक है डी जीरो वन प्लस जी ये पता है ये भी पता है ये भी पता है ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हमको एक साल बाद बस इंपॉर्टेंट है यार ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है सर दो तीन तरीके हैं हाँ पहला तरीका सर मान लो पाँच आज का ग्रोथ दे दिया मतलब आज का ग्रोथ है आज का डिविडेंड है पाँच रुपे. और पांच साल बाद डिविडेंड होगा एट पॉइंट एट वन टू तो पक्का ना यार ग्रोथ हो रहा है हर साल तो कितने का ग्रोथ हो रहा है एक तो ये कंडीशन दे देगा मेरी बात समझो जो जो, जो क्वेश्चन में आ आ सकता है वो वो चीज में डिस्कस कर लो एक तो अधिकतर कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है कि फाइव रुपीज डिविडेंड आज का है और पांच साल बाद का है एट पॉइंट एट वन टू तो बताओ ग्रोथ रेट कितना तो ठीक है सर ये तो हम डर्टी पावर से कर लेंगे फाइव वन प्लस जी पावर फाइव और ये सर आंसर आ गया ट्वेल्व परसेंट एक तो ये तरीका ठीक है ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू भी उसी के बेस पे मैंने पूछा था एक तो तरीका ये हो गया कि अगर ग्रोथ रेट निकालने का दूसरा तरीका ये हो गया एक तो ये वाला तरीका हो गया फर्स्ट और दूसरा तरीका हुआ ये और क्या डेटा दे है ये एग्जाम में आया हुआ है आपको पता है ये चार चार नंबर का क्वेश्चन आ गया था सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालिए आपको रिटेंशन रेशियो दे देगा और आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे देगा और ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला हमको मालूम है बी इन टू आर बी का मतलब कितना रिटेन कर रहा है और जो रिटर्न कर रहा है उसको री कितने पे कर रहा है दिस इज is... तो देखिए का मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो और आर का मतलब हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी समझा कि ये वाला एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपको मैं वो फॉर्मूला जो बना है ना बी इंटू आर बी इंटू आर वो फॉर्मूला समझाने की कोशिश किया था क्लास में पर ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं आएगा सीधा सीधा आपको देखना पड़ेगा सीधा ग्रोथ रेट मैंने कहा यार देखो एक्चुअल में ग्रोथ रेट ये है टू पॉइंट फोर जीरो पर अगर क्वेश्चन को देखोगे क्वेश्चन में हमको बी इन आर लगाना है बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो तो सोचो डिविडेंड पर पे आउट रेशो कितना दिया है सेवेंटी परसेंट तो बोलो रिटेंशन रेशो कितना बी सर रिटेंशन रेशो है थर्टी परसेंट ठीक है और जो बचा रहा है उसको कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो सर उसको रिटर्न ऑन इक्विटी दिया आठ परसेंट तो सर ग्रोथ रेट पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट जीरो एट ग्रोथ रेट आ गया टू पॉइंट फोर जीरो हमारे काम की चीज है वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि चलो ये b इंटू आर का डेरिवेशन कैसे हो ठीक है सर सेम क्वेश्चन यहां लिखा है बी जीरो दिखा है फाइव ही है, तो के ही दिया तो यहाँ के ही आ जाएगा ग्रोथ रेट दिया है क्या ग्रोथ रेट ग्रोथ फिर मैंने पी जीरो मांगा सिंपल क्वेश्चन है कर लोगे जो कर लोगे कैलकुलेटर पे उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं सर ये एग्जांपल काम का है क्या ये एग्जांपल भी काम का नहीं है के ही मांगा है कुछ था ही नहीं सर ये ये एग्जांपल सबसे अच्छा ये एग्जांपल आने के चांसेस भी है अच्छा एग्जांपल है प्लीज इसको बना लेना यह वाला एग्जाम्पल अच्छा है P0 जीरो है सेवन एट जीरो और के ट्वेंटी परसेंट और मैं आपसे क्या चाह रहा हूं मैं आपसे ग्रोथ रेट चाह रहा हूं अब अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं पी जीरो दिया हुआ है सेवन एटी ने एटी रुपीज एटी रुपीज दिया हुआ है ठीक है यहाँ तो ऊपर डी वन लिखना है और डी वन कैसे निकलता है डी जीरो वन प्लस जी तो इन्होंने वैसे ही लिखा के ई दिया केई भी बोल सकते हो आर ई e भी बोल सकते हो और यहाँ जी तो जी निकाल लिया इस इक्वेशन को सॉल्व करके और जी आ गया ट्वेल्व पॉइंट नाइन फोर परसेंट प्लीज देख लेना अच्छा क्वेश्चन फिर एग्जाम्पल करवाया था ठीक है है ये टाइम पास फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था कि क्या है करके ठीक है सर ये फॉर्मूले को याद ना भी रखे तो चल जाएगा कि चल जाएगा एक और मॉडल कभी कभी पूछ लेता जिसका नाम है प्राइस प्राइस इसमें उन लोगों का कहना है कि यार हम डिविडेंड पे फोकस नहीं करते हम अर्निंग को कैपिटलाइज करते इसका नाम होना चाहिए अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल

ये भी एक यूज हो तो मैं आपसे बोलू जो मेन है वह है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और कभी कभी अर्निंग प्राइस मॉडल से भी मतलब अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल एक है अर्निंग ग्रोथ मॉडल एक है प्राइस अर्निंग रेशियो को बेस लेके एमपीएस निकालना ये सब हो सकता है एकाध क्वेश्चन में कभी कभी पूछा है लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो हमको गोर्डेंस मॉडल बोलते हैं इसको इससे इस एग्जाम्पल इस को करवाने का उद्देश्य क्या था एक फार्मूला जो आपको काम आएगा वो आएगा प्राइस अर्निंग रेशियो का एक फार्मूला ये मैं डेरिवेशन करवा रहा था सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए वो फॉर्मूला था फार्मूला चाहो तो एक कॉपी में एक पेज में लिख लेना काम आएगा और फॉर्मूला था कि यार प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकाला जा सकता है तो एक फार्मूला था वन डिवाइडेड बाय के ठीक वो डेरिवेशन से समझाने की कोशिश किया था काम की चीज क्या रहेगी कि यार प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है वो होता है वन डिवाइडेड बाई के सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा कॉर्पोरेट वेल्यूशन में काम आएगा मर्जर में काम आएगा इसलिए प्लीज ये फार्मूला याद रखना डेरिवेशन मैं नहीं समझाने वाला हूँ ये कर चुकी हूँ ठीक है और एक चीज मुझे याद करवाना है आपको वह बुक वैल्यू पर शेयर ध्यान से समझना अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कुछ था ही नहीं यार मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है एक लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है साठ हजार तो दोनों को मिलाकर कितना एक लाख साठ हजार दोनों को मिलाकर इक्विटी प्लस रिजर्व और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो जो वैल्यू आती है ना इसको बोला जाता है बुक वैल्यू पर शेयर तो बुक वैल्यू पर शेयर याद रखना कई जगह आने वाला है और स्पेशली मर्जर में आता ही है मर्जर और प्लीज बुक वैल्यू पर शेयर कैसे बुक बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं उन लोगों को लगता है कि यार फेस वैल्यू पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर एक ही है नहीं सर दोनों अलग अलग है बुक वैल्यू पर शेयर मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व को ऐड करके जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ और ईपीएस निकाला जा सकता है ईपीएस कैसे निकाला जाता है बुक वैल्यू पर शेयर को यूज करके मतलब सर बोलो टोटल कितना है फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड ये सर ये निकल गया ई पी एस और मालूम है रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ आई आर ओ सर सोलह रुपये हमारा है सुनना ये काम आएगा भाई काम आएगा सोलह रुपये हमारा है बुक वैल्यू पर शेयर ठीक है नेटवर्थ नेटवर्थ पर शेयर बोल दो और उस पर हम कमा रहे हैं रुपीज फोर तो बताओ कितना कमा रहे हैं दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाएगा ट्वेंटी फाइव पर सर कहना क्या चाहते हो कहना कि एक फॉर्मूला याद आएगा ईपीएस को निकालने का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू पर शेयर इन टू रिटर्न ऑन ये फॉर्मूला काम आने वाला है तो प्लीज इसको भी कहीं नोट कर लेना मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ तो आप कहीं नोट करते चलना काम आते जाएगा आपका ठीक है बात समझ में हम चले ऑक् बहुत हो गया टाइम पास बनाना स्टार्ट करें क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पहला क्वेश्चन ले रहा आपको दिया इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू पर शेयर वन थर्टी सेवन पॉइंट एट रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है मतलब सर इसको हम के ही मान सकते हैं यस के ही बोल दो या आर ही बोल और रिटर्न कितना कर रहा है 60% मतलब सर ये आर हो गया इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अप। ओहो ये रिटर्न के ही नहीं है सर गड़बड़ मत कर देना रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हो गया है? आर सर कैसे पता लगा क्योंकि जैसे ही मैंने यहां देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अप कैपिटल तो के ही तो एक्चुअल में ये है यार द प्राइस ऑफ शेयर टूडे यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल सबसे पहले भाई साहब ईपीएस निकालना पड़ेगा और ईपीएस का भी बताया बुक वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई कर देना रिटर्न ऑन इक्विटी से तो जो आएगा वो आएगा ईपीएस तो सर ईपीएस आ गया ट्वेंटी पॉइंट सिक्स से रहा सिक्सटी परसेंट तो डिविडेंड कितना देते हो के? निकल सकता है क्या यस yes. और ग्रोथ भी निकल सकता है या सिक्सटी इंटू फिफ्टीन परसेंट बी इंटू आर तो ग्रोथ भी निकल गया नाइन परसेंट और उसने दोनों मॉडल से बोला एक तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से बोला तो मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकालने की कोशिश कर रहा हूं अब सर सबसे ज्यादा जो समस्या है ना वो समस्या क्या आ रही सुनना सर ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम फोर्टी परसेंट से फोर्टी परसेंट क्या है सर डिविडेंड दे रहे एट पॉइंट टू सिक्स एट अब सवाल बस इतना सा है ये डी जीरो है कि डी वन है पूरे सिक्योरिटी वैल्यूशन में एक इक्विटी वैल्यूशन में एक ही दिक्कत होती है कि जो निकलता है वो डी जीरो निकलता है कि डी वन निकलता है। मैंने आपको एक बात बता रखा कि अगर डिविडेंड पेड लिखा रहेगा या करेंट डिविडेंड पर शेयर लिखा रहेगा तो डी जीरो मानना अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा रहेगा तो डी वन मान लेना और सर कुछ भी नहीं लिखा है तो एक नोट लिख देना कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं और आप जो एज्यूम कर रहे हो वही उसको मान लेना इसका मतलब नोट जरूर लिखना और नोट लास्ट में मत चिपकाना लोस्ट नोट पहले ही लिख देना कि जो गिवन डिविडेंड है वो हम एज्यूम कर रहे हैं डी वन है कि डी जीरो है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर जिसमें वॉल्टस मॉडल और गोल्डन मॉडल दोनों का रिक्वायरमेंट है तो जो भी डिविडेंड निकल निकलता है उसको वो डीवन मान लेता है वॉल्टर मॉडल और गोर्डन मॉडल का जो भी रिक्वायरमेंट है पर फिर भी कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो भाई नोट लिखकर काम कर देना इंस्टीट्यूट ने भी हर जगह ऐसे ही काम कर रखा अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर तो बचा क्या क्वेश्चन है कुछ बचा नहीं फाइनली डिविडेंड पता है हमको और कई मायने जी किए तो सर ये आ आगे हमारा गोर्डन्स के मॉडल से वोल्टर क्या बोलता बोले आपने कितना ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सेवन किया था सर वो था ई और उसमें से डिविडेंड कितना दे रहे हो ये जो बचा उसको पंद्रह परसेंट पे इन्वेस्ट हो फिर आंसर निकाल लिया इससे वॉल्टर ठीक है ठीक है सर तो वैसे तो कोई खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में नहीं और इस इधर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आगे बाई बैक है आगे राइट शेयर है उधर हो सकता है ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए इसको थोड़ी सी स्पीड से ये तो यार पहले से किया हुआ है ठीक है सर ग्रोथ रेट है टेन परसेंट ठीक है जी ग्रोथ रेट है टेन परसेंट पैड शब्द लिखा है, मतलब सर ये डी जीरो है और हाँ कभी कभी आपको के ही नहीं दिया रहता सी ए पी एम का डिटेल दिया रहता तो उससे तो हम काम कर ही सकते ये तो पोर्टफोलियो में ही करें तो पहले सी ए पी एम मॉडल से आप के ही निकालना और उसके बाद पी जीरो निकाल लेना तो ये होमवर्क आपके लिए कुछ था ही नहीं इसमें तो काम की चीज नहीं रहेगी मैं पक्का नहीं कर सर क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 हो सकता इसमें बस दिक्कत क्या थी मैं पहले दिक्कत की बात कर लेता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है क्लियर ऑफ वॉविस लिमिटेड आर बीइंग कोटेड अ प्राइस अर्निंग रेशियो एट टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है एट टाइम द तो कंपनी रिटेन रिटर्न करेगी परसेंट मतलब सर बी दिया हुआ है मतलब सर डिविडेंड भी मिल जाएगा यस yes, डिविडेंड कितना फिफ्टी फाइव परसेंट अब सुनो रिटर्न करना है फोर्टी फाइव परसेंट विच आर रुपीज फाइव यहां बच्चों को दिक्कत थी अब बच्चों की नहीं सभी को दिक्कत है इनका कहना है द कंपनी द कंपनी रिटर्न रिटर्न कर रही है फोर्टी फाइव परसेंट

पर हमें शब्दों से लग रहा है कि यार जो रिटर्न कर रहे हैं ना वो है फाइव रुपीज तो उसके हिसाब से हम ईपीएस निकाल सकते हैं ईपीएस की जरूरत पड़ेगी तो वो आ गए तो समस्या दूसरा तो मांग क्या रहा था सर मांग रहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई मांग रहा था और ग्रोथ रेट कितना दिया फिफ्टीन परसेंट तो कुछ स्पेशल बच्चे उनका कहना था सर केई मांग ही रहा है तो आपको याद है सर आपने अभी अभी फॉर्मूला लिखाया था के इज इक्वल टू डिवाइडेड पी तो फिर ये टाइम पास करी क्यों रहे क्या है क्या नहीं है सीधा डिवाइडेड आंसर ला दीजिए खत्म काम बेटे वो प्राइजनिंग रेशो मॉडल है यहाँ बोल रहा है कि ग्रोथ है अगर ग्रोथ है तो भाई साहब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही लगेगा आप वन डिवाइडेड बाई पी रेशो करके निपटा नहीं सकते कुछ तो दो प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली तो फिर तो यार देखो अगर मैं कहता हूं कि हमने इलेवन तो सर पी जीरो कैसे निकलेगा अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में और क्या दिक्कत थी ये तो ई निकल गया डिविडेंड भी निकल गया सिक्स पॉइंट वन वन अब समस्या है कि यार हमें निकालना क्या हमें निकालना कॉस्ट ऑफ इक्विटी के और के निकालने का क्या फॉर्मूला है सर के निकालने का डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी यही फॉर्मूला है के निकालने का अब डी वन मालूम हो गया यस पर P0 जीरो कहाँ ग्रोथ भी दिया हुआ है यस P0 कैसे निकालेंगे तो P0 कैसे निकालोगे मार्केट प्राइस तुम आपको बचपन से मालूम है एम को ही P0 बोलते हैं और उसका फॉर्मूला ईपीएस इन टू प्राइस ठीक है क्वेश्चन अच्छा है करके चले जाना एग्जाम में आया हुआ बाकी फिर यहाँ चेंज करके वो निकाल रहा है वो तो आप कर लोगे जो मुख्य बात थी ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन सबसे खराब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन देखा देखा लग रहा होगा आपको ये भी हमारे स्टडी मैट का है वो पढ़ेगी क्वेश्चन को रिस्क फ्री रेट दिया है नाइन परसेंट मतलब सर ये तो हो गए आर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट सर ये आर एम हो गया आर एम हो गया आर एफ हो, 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 हो गया और ग्रोथ रेट भी दे दी वाओ सर इससे अच्छा क्वेश्चन तो क्या मिलेगा ग्रोथ रेट भी दे दिया कितना सात परसेंट और साथ में लास्ट डिविडेंड पेड लिखा तो डी जीरो भी दे दिया और आपको बीटा भी दे दिया तो सबसे पहला काम है कि आप सी ए पी एम यूज कीजिए और सी ए पी एम यूज करके आप पहले केई निकालिए और केई निकल गए तो फिर प्राइस निकालिए पहले पॉइंट में दिक्कत नहीं है फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल है जी सेकेंड पॉइंट हाउ द इक्विलिब्रियम मतलब सर अब हमको प्राइस फिर से निकालना है अगर चेंज होता है तो इन्फ्लेशन प्रीमियम दो परसेंट से बढ़ गया सर इन्फ्लेशन पहले क्या था पहले मान लो इन्फ्लेशन था ही नहीं इन्फ्लेशन था भी तो हमने मैंने अब इन्फ्लेशन टू परसेंट से बढ़ गया तो ऐड करना पड़ेगा यार अब तो रिक्वायरमेंट रेट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा यस तो सर ऐड किस में करें यार इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिस्क फ्री पे भी पड़ेगा हाँ पड़ेगा और मार्केट पे भी पड़ेगा अब तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न तो मार्केट से भी आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा और रिस्क फ्री से भी दोनों जगह इफेक्ट देना पड़ेगा इट मीन्स मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ सारे फैक्टर्स को मैं एक साथ ले रहा हूँ तो अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ा तो एक तरीका यह है कि ये भी बढ़ा दो और मार्केट का बढ़ा दो और ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ठीक इसके अलावा ग्रोथ रेट तीन परसेंट से बढ़ा दीजिए तो ग्रोथ रेट जो भी होगा पहले सात था तो उसको हमने उठाकर कितना कर दिया टेन कर दिया और बीटा वन पॉइंट थ्री कर दीजिए बीटा को हमने सारे फैक्टर्स को एक साथ करके हमने पी जीरो निकाल लिया थर्टी फाइव पॉइंट फोर एक तो ये तरीका है दूसरा इंस्टीट्यूट ने ये कर रखा है कि सारे फैक्टर्स को हर एक फैक्टर्स को एक समय चेंज करना मतलब पहले पी जीरो निकाला मान के चलो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया फिर पी जीरो निकाला कि इन्फ्लेशन वही है पर ग्रोथ रेट बढ़ गया फिर तीसरा क्या किया कि मान लो कि चलो ये दोनों सेम है और बीटा चेंज हो गया तो इस हिसाब से भी अलग अलग लेकर भी काम कर सकते वही मैंने यहाँ लिखवा दिया अच्छा क्वेश्चन था हाँ अच्छा क्वेश्चन है चले जी आगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइंड आउट दोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो बताइए डिविडेंड कितना दिया जाए पूछ रहा। एच टू शेयर का प्राइस कितना रखना है फिफ्टी सिक्स कौन से मॉडल से वॉल्टर में? वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पता है ना? हाँ सर पी जीरो इज इक्वल टू डी वन माइनस डी आर डिडेड बाई के डिवाइड बोले ये कितना अब की बार हमको फिफ्टी सिक्स निकालना है और बोले डी ही पूछ रहा है बताओ डी कितना रखा जाए तो एक्स लेके काम कर सकते हैं बोले प्रॉफिट हुआ है पचास लाख ठीक है और प्रफरें ये सर ये इंटर का क्वेश्चन है कि हाँ ना यार सी ए इंटर का है पर क्या करें सर ठीक है प्रीफरेंट डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आएगा वो अर्निंग आएगा उसको नंबर तो ये आ गया हमारा ई तो हमें ये मालूम है डिविडेंड का आर और के ही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है सर ये क्वेश्चन तो हमारा सी ए इंटर में किया हुआ है ऑलरेडी आंसर आ गया होगा डिविडेंड पे आउट रेशो जीरो आया ये देख लेना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गलत फ्रेम फ्रेमिंग ही गलत कर दिया था इंस्टीट्यूट ने ठीक चले आगे यस नंबर फिफ्टी थ्री अब यहां दिक्कत क्या है यहां दिक्कत है कंपनी पेस अ डिविडेंड हो हंड्रेड परसेंट मुझे ऐसा लग रहा कि ये डी जीरो है इंस्टीट्यूट ने डी वन मान के भी सॉल्व कर लिया होगा तो आप मैनेज कर लेना प्लीज नोट लिख देना कि आप डी जीरो ले रहे हैं कि डी वन ले रहे ठीक बाकी बस वही ये बन जाएगा क्वेश्चन या ऑलरेडी हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कर रखा है अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा और ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं करवाऊँ मुझे मुश्किल काम करवाने ये क्वेश्चन भी हो जाएगा यस yes.

फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड डिविडेंड पर शेयर दिया फोर और फोर ग्रोथ रेट दिया टेन परसेंट टेन परसेंट बीटा दिया पॉइंट नाइन वन पॉइंट टू और करंट पी दिया वन फिफ्टी वन आर एफ दिया आरएम दिया सबसे पहले प्राइस निकालना सर प्राइस के लिए तो हमको के निकालना पड़ेगा सी तो वही काम किया तो पहले बात किसकी कर ले हम एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड से सबसे पहले हमने के निकाला आर आरएम एम माइनस आर से आंसर आ गया थर्टीन पॉइंट थ्री जीरो परसेंट और ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड को डी जीरो एज्यूम किया जाए कि डी वन एज्यूम किया जाए कुछ नहीं लिखा है इंस्टीट्यूट ने शायद दोनों ही तरीके से कर रखा है और हमने एज्यूम किया कि कुछ डिविडेंड पर शेयर दिया है कि ये डी है रुपीज उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला तो निकाला वन सिर्फ एक्स लिमिटेड की बात कर रहा करो वाई लिमिटेड का तो आप कर लोगे फिर बोल रहा कमेंट कीजिए वैल्यूएशन पे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड और आपको ये डिसाइड करना है कि शेयर अंडर प्राइज है कि ओवर प्राइज ये निकाला एंट्रेंसिक वैल्यू वन थर्टी थ्री और एक्चुअल प्राइस है वन फिफ्टी महंगा है भाई आपके हिसाब से तो शेयर की कीमत एक सौ तैंतीस रुपए से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए वन फिफ्टी है मतलब सर ओवर प्राइज है तो बताइए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अगर नहीं खरीदना चाहिए अगर है तो बेच देना चाहिए तो ये लिखा हुआ है ओवर प्राइस है स्टॉप स्टॉक ओवर प्राइस है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए अगर होल्ड कर रखा तो इसे बेच देना चाहिए जैसे एक्स लिमिटेड किया वैसे किसका किया वाई लिमिटेड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू क्वेश्चन बहुत अच्छा है यूनिक क्वेश्चन है इंटर में भी था तो क्या खास बात है इस क्वेश्चन में सुनोगे तो अगर मैं कहूं जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो बिल्कुल सही ये क्वेश्चन हिलाकर रख देगा लिखा है दिसंबर 2011 में ए बी कंपनी शेयर वाज सोल्ड सर ये पी जीरो हो गए ठीक है और सर ये ग्रोथ रेट दिया है साढ़े सात परसेंट ठीक और एक्सपेक्टेड शब्द लिखा है सर तो आप मना नहीं कर सकते कि ये क्या है ये है डी वन है ये तीन चीजें हमको पता लग गई पी जीरो में है, हमें ग्रोथ रेट मालूम है हमें डी वन मालूम मांग क्या रहा है सर वाट रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न बताइए इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्टेड कर सकता है मतलब सर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के ही मांग रहा है यस yes. अब फिर से बोल रहा है कि मान लो ग्रोथ रेट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो सर इसमें रखा क्या है पहले पॉइंट में तो कुछ नहीं रखा फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल है टी वन हमको मालूम है हमको पी जीरो मालूम है हमको ये मालूम है हमें और के नाइन पॉइंट एट परसेंट आ जाएगा इसमें कोई शक की बात नहीं अब दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट ए बी कंपनी विल अर्न मतलब सर ये आर हो गया टेन और रिटेंशन रेशो क्या है रिटेंशन रेशो मतलब बी तो सर बी इंटू आर करेंगे तो ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट ही चेंज हो रहा ना सर अगर हमें करना होता तो फिर हम क्या करते क्या शेयर की प्राइस में चेंज हो जाएगा मैं क्या करता बस ग्रोथ रेट निकाल लेता लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल में क्या करता मैं सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालता ये देखो तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्चुअल रखवा तो ग्रोथ रेट निकलता और बाकी सब चीजें सेम थ्री पॉइंट थ्री सिक्स रहता वन फोर्टी सिक्स रहता ये वही रहता बस ग्रोथ रेट चेंज करके के निकल लेता कॉन्सेप्चुअल में यही करता और आई आई ने कैसे किया बिल्कुल ठीक से करना आई ने सर ये क्वेश्चन रट्टा मारना पड़ेगा कि हाँ और कोई ऑप्शन है उनका ये कहना कि भाई पहले ग्रोथ रेट कितना था बोले सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और ये ग्रोथ रेट आया कैसी होगा बोले बी इन टू आर बोले ग्रोथ रेट मालूम है हमको आर मालूम है तो बी निकल सकता है क्या बोले हाँ बी निकल गया सेवेंटी फाइव परसेंट बोले पहले था सेवनटी फाइव परसेंट बी मतलब रिटेंशन रेशियो और अर्निंग हम और डिविडेंड हमको मालूम है तो इससे अब अर्निंग कितनी होगी थर्टीन पॉइंट फोर फोर मतलब एक्चुअल में अर्निंग है थर्टीन पॉइंट फोर फोर रुपीज बोले वही तो हम बोलना चाह रहे हैं अर्निंग है और अब भी हो गया 60% तो 13.44 का 40% डिविडेंड हो गया तो बोले एक्चुअल में ये डिविडेंड है बस उन्होंने डिविडेंड का फिगर ही चेंज कर दिया पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि आगे भी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं कभी भी d1 दिया रहेगा तो उसको चेंज कभी नहीं करूंगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी आपके लिए करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर फिफ्टी जो है वो कई बार स्टडी मैट में भी कई बार दो तीन बार डाल रखा है तो प्लीज़ उसे कर लेंगे सर आप करवाओगे हाँ मैं ही करवाऊँगा क्वेश्चन में जो जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि दिक्कतें हैं वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टी ज़ीरो दिया है ठीक है सर कोई समस्या नहीं डिस्काउंटिंग रेट मतलब के ही दिया बताओ डी जीरो अच्छा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता साफ साफ लिखा इसके अलावा सर के ही दिया और इसके अलावा ग्रोथ रेट दिया प्रेजेंट वैल्यू सर मतलब क्या निकालना मतलब निकालना है पी जीरो क्या पी जीरो निकल सकता है सर इससे इजी क्वेश्चन कभी देखा है कि आपने आसान है टी जीरो दिया डी वन ले लेंगे के दिया है और जी दिया तो आंसर तीस रुपए आ गया रखा क्या था इसमें इसमें नहीं रखा था बेटे, आगे रखा है आगे बढ़ हूं पूछ रहा है क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है ठीक है भाई अगर स्टॉक का प्राइस है मतलब सर पी जीरो मतलब पी जीरो नहीं वो तो देखेंगे यार ओवर जब भी बोला ना ओवर वैल्यू है कि नहीं है जब भी बोलेगा ओवर वैल्यू है कि नहीं तो पक्का ये करंट मार्केट प्राइस दिया होगा एक्चुअल 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 और आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू और उसका कंपेरिजन करना पड़ेगा थर्टी फाइव से आर ओ मतलब सर रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आर और ई दिया है टू पॉइंट टू डिटेल कैलकुलेशन कैसे करें तो शेयर का प्राइस निकालते हैं लॉजिकली तो यह है कि शेयर का प्राइस निकालते और शेयर का प्राइस निकाल सकते हैं डी वन सर क्या करेंगे भाई साहब रट्टा मारना पड़ेगा इस क्वेश्चन को उन्होंने दो मेथड से कर रखा एक तो उन्होंने कर रखा प्राइस अर्निंग रेशियो से और अर्निंग ग्रोथ से अच्छा सर कैसे कर रखा है और उन्होंने कहा सुनो ना ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये एक्चुअल में के ही है उन्होंने इसको के ही मानकर क्वेश्चन किया आपको भी याद करना पड़ेगा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आरओई को उन्होंने के ही माना तो फिर तो हो गया यस तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आईसी आरओई को उसने के ही मांगना है और सबसे पहले प्राइज अर्निंग मॉडल ईपीएस दिया है और प्राइज अर्निंग रेशो निकल सकता है वन डिवाइडेड बाई के आंसर आ गया रुपीज ठीक और ट्वेंटी फाइव का कंपेरिजन किससे किया थर्टी फाइव से बोले स्टॉक ओवर वैल्यूड है दूसरा हमारा दूसरा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अर्निंग ग्रोथ मॉडल ईपीएस और ग्रोथ वन पॉइंट से ये कहां से आया ग्रोथ भाई साहब उन्होंने ग्रोथ यहां से ले लिया बिल्कुल यार सर रट्टा मारना पड़ेगा टोटली रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है और प्लीज लास्ट में देख के चले जाना पता लगा आ गया क्वेश्चन क्योंकि हमारे मटेरियल का को क्वेश्चन है हमारे छोड़े स्टडी मैट की मैं बात कर रहा हूँ जो आई ने किया प्लीज कर लेना यार सर मतलब यार दो रुपये पच्चीस पैसे ग्रोथ रेट पुराना वाला लेने का क्या लॉजिक पता नहीं और फिर एम फिर तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो ओवर वैल्यू ठीक है सर ठीक चले अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सर कितने क्वेश्चंस करवाऊंगे जितने हैं उतने करवाऊंगा जितने क्वेश्चन है उतने मतलब मैं आपसे यही बोलूंगा मैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छिड़वाऊंगा वो मेरी ड्यूटी एबीसी लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड सर क्वेश्चन आर टी पी में डाला हुआ मे दो हजार इक्कीस का ठीक है तो अच्छे से करना होगा देखा एबीसी लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड अट्ठाईस रुपए पर शेयर सर मतलब ये हो गया डी जीरो मिस्टर इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ ए बी सी लिमिटेड और ग्रोथ रेट बोले एट परसेंट से नाइन परसेंट हो गया मतलब सर अभी ग्रोथ रेट हमको नाइन परसेंट लेना है कि और कितने साल तक रहेगा बोले ये ग्रोथ रेट बोले तीन साल तक रहेगा एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर और शेयर तीन साल बाद बोले सात सौ बीस रुपए का बिक जाएगा मतलब सर डिविडेंड अभी ट्वेंटी तो बढ़ेगा कितने परसेंट से नाइन परसेंट फिर नाइन परसेंट फिर नाइन परसेंट और फिर शेयर कितने का बिक जाएगा सेवन ट्वेंटी का तो सर प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है यस yes. सबसे पहले आपको बोलो वैल्यू निकालना कि आप कितना पेमेंट कर सकते हो शेयर के लिए अगर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है थर्टीन परसेंट मतलब थर्टीन परसेंट से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा काम किया होगा सोल्यूशन तो. अभी डिविडेंड कितना था ट्वेंटी एट उसको बढ़ाया नौ परसेंट से फिर और फिर आ गया तो ये पहले साल का डिविडेंड ये दूसरे साल का तीस और तीसरे साल का शेयर का प्राइस सेवन ट्वेंटी है सर ये लगभग मल्टीपल ग्रोथ मॉडल जैसा हो गया कि हाँ परपेचुअल ग्रोथ उसने तीन साल तक ही होल्ड करेगा और तीन साल बाद का प्राइस दिया हुआ ठीक है सर हो जाएगा ये तो डिस्काउंटिंग किससे करोगे थर्टीन परसेंट ठीक है सर ये वन होगा पावर वन आंसर आ गया फाइव सेवन पॉइंट वन पॉइंट नंबर टू प्राइस बताइए इफ मिस्टर ए इस विल बी विलिंग टू पे फॉर द इफ हिज ओपिनियन दैट नाइन परसेंट जो ग्रोथ रेट रहेगा वो मेंटेन रहेगा इनडेफिनेटली और थर्टीन परसेंट मतलब यार अ ग्रोथ रेट नाइन परसेंट ही रहेगा पर हो जाएगा की काम हाँ सर हो जाएगा रखा क्या पी जीरो निकालते डी वन ये तो हमको आता है ट्वेंटी एट वन पॉइंट जीरो नाइन अगर ग्रोथ रेट आज परपेचुअल रहेगा परपेचुअल नाइन परसेंट फिर तो सोचना ही क्या था उसको आगे चले द प्राइज ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अब आपसे प्राइस मांग रहा है और कब मांग रहा है थर्ड ईयर के एंड में सर मतलब हमसे पी थ्री मांग रहा है यस yes, पी अगर नाइन परसेंट ग्रोथ अगर पी थ्री और नाइन परसेंट ही ग्रोथ रह, रहेगा तो फार्मूला हमको मालूम है डी फोर डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी वो कर लेंगे हम लोग आंसर आ जाएगा हमने यहाँ तक का तो निकाल लिया था ये आपका डी थ्री निकला था उसमें और नौ परसेंट एड कर देंगे के ई माइनस जी तो आंसर आ गया नाइन एटी एट पॉइंट अच्छा क्वेश्चन था चले कि आगे यस अ कंपनी है अच्छा क्वेश्चन है सिक्सटी सिक्स कहाँ डला हुआ एम टी पी मार्च दो हजार इक्कीस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कंपनी हैज एन ईपीएस टू पॉइंट फाइव जीरो फॉर द लास्ट ईयर मतलब ये लास्ट ईयर का ईपीएस है और लास्ट ईयर का डीपीएस भी दे दिया वन रुपीज अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू परसेंट अर इन लॉन्ग रन बोले अर्निंग ग्रोथ रेट दिया हुआ है? ग्रोथ रेट दिया Currently इट इज ट्रेडिंग एट सेवन टाइम ऑफ इट्स अर्निंग अर्निंग का सेवन टाइम्स मतलब प्राइस अर्निंग रेशो है यस टू पॉइंट फाइव

निकाल लेंगे और फिर ईपीएस दिया है और उस पी जीरो को ईपीएस से डिवाइड कीजिए वो जो निकलेगा वो निकलेगा प्राइजनिंग रेशियो एस पर गॉर्डन मॉडल भगवान सर करेंगे क्या पहले गॉर्डन मॉडल लगाया क्या तो गॉर्डन मॉडल से हम लोगों ने क्या निकालना पीज इन्होंने निकाला हमको डिविडेंड मालूम है हमको ग्रोथ मालूम है कई मालूम है ग्रोथ मालूम है तो ये निकाला पी और एमपीएस डिवाइडेड तो ये आ गया जो निकला ये प्राइस ये गॉर्डन के हिसाब से है तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी अनुमान लगाया कि गॉर्डन के हिसाब से प्राइस निकालने पर प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा अब दूसरा पॉइंट क्या मांग रहा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं डिस्कस कर बोले ग्रोथ रेट निकाली इम्प्लॉइड बाय करेंट प्राइजनिंग रेशो मतलब अब क्या कहना चाहता है अब बोल रहा कि आप करंट प्राइजनिंग रेशो को यूज कीजिए और एपीएस को तो टी जीरो निकाल लो ए हमने दिया ग्रोथ रेट आप निकाल लो पी जीरो हमने निकाला ये किसको बेस लेकर करंट प्राइजनिंग रेशो और उसको लिखा पी जीरो हमको पता तो बोले ग्रोथ रेट निकाल लीजिए और ग्रोथ रेट आ गए सेवन पॉइंट एट फोर क्वेश्चन अच्छा है प्लीज करना है ठीक है तो अब क्या हो गया हमारा हमारा हो गया स्टेबल या परपेचुअल ग्रोथ मॉडल से हमने बड़े सारे क्वेश्चंस अब आते हैं मल्टीपल ग्रोथ मॉडल से मैं पानी पी लूँ फिर मल्टीपल ग्रोथ मॉडल करते करीब करीब सर इसमें कितना टाइम जाएगा कम से कम एक घंटा जाएगा एक घंटा तो लगेगा ही यार और एक घंटे में मेरे ख्याल से मल्टीपल ग्रोथ मॉडल में नहीं लगेगा अब टोटल क्लासेस करीब करीब एक घंटे में खत्म हो जाएगी ठीक है तो दो तो मिनट उसके बाद फिर स्टार्ट कर चलो जो सिंगल पीरियड हमारा खत्म हुआ था मतलब मल्टी परपेचुअल ग्रोथ मॉडल हमने खत्म किया था अब यार मल्टीपल ग्रोथ मॉडल है तो उसके क्वेश्चंस कैसे करना बस ये डिस्कशन कर ब्रेक लिया था ठीक है ठीक है सर तो मल्टीपल ग्रोथ मॉडल में करना क्या होता है जरा देखो ध्यान से इसमें होता क्या है इसमें क्या होता है एक बार समझा दो इसमें वो बताएगा कि शुरू के कुछ साल तक ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल रहेगी एबनॉर्मल मतलब हाई रेट पे रहेगी नया बिजनेस होता है ग्रोथ ज्यादा होता है ठीक है लेकिन एक समय आता है कि यार लिमिटेड ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाता है क्योंकि उससे ज्यादा जितना बढ़ना था बढ़ चुका है बिजनेस ठीक है सर तो इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहां तक और इसके बाद परपेचुअल है और सर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे डी वन डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी अब यहां नहीं लग सकता वो फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब ग्रोथ परपेचुअल हो इट मींस ये जो फॉर्मूला है वो यहां के बाद परपेचुअल है तो यहां लग सकता है जो वो चार साल है तो मुझे P4 निकालना पड़ेगा और फिर उसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा D5 फाइव डिवाइडेड बाय के माइनस और यहाँ जो डिविडेंड मिला है, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू और P4 में तो इसके बाद के सब डिविडेंड जुड़े हुए इसका प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से काम करना होता है क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है सिंपल टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस लंबे हो जाते हैं ठीक है सर तो बिना समय खराब करें हम लोग एक एग्जाम्पल्स के से समझने की कोशिश करते हैं क्या तो देखोगे ध्यान से वी दिया है रुपीज़ फाइव ठीक है सर ग्रोथ रेट दिया है फर्स्ट टू ईयर्स ट्वेल्व परसेंट उसके बाद अगले सोल दो साल दस परसेंट तो पहले मुझे डिविडेंड निकालना पड़ेगा पहले पांच रुपए को ट्वेल्व परसेंट फिर ट्वेल्व परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा और फिर जो डिविडेंड आया उसको टेन परसेंट और टेन परसेंट मतलब मुझे चार साल तक तो काम करना पड़ेगा एक दो तीन और चार और चार साल के बाद ग्रोथ रेट छह परसेंट हो गया तो फिर मुझे यहां क्या निकालना पड़ेगा पीफो ठीक है ना ये आता है आपको बस और मुझे क्या निकालना है वैल्यू दैट्स इट मेरे ख्याल से समझ ही गए का कितना था पांच रुपए इसको बढ़ाया ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्वेंट फिर टेन फिर फिर परसेंट और फिर यहां हमने वैल्यू निकाला जिसको मैंने बोला पी फोर और फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है बस एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप पी फोर लिखोगे तो हम जल्दबाजी में जैसे उन्होंने यहां क्या किया था कि फैक्टर फिफ्थ ईयर का लिख दिया था होता है आप कितना भी इनकार कर लो इस बात से कि गलती नहीं होती है होती है और अधिकतर बच्चों से यही गलती होती है क्योंकि वन टू थ्री फोर के बाद उनको ऐसा लगता है फाइव आता है तो फाइव ईयर का फैक्टर ले लेते हैं हमें फोर्थ ईयर का ही फैक्टर लेना है बस और कुछ नहीं और ये आ गया वैल्यू पर शेयर ठीक है ठीक है सर कुछ स्पेशल नहीं था वैसे कुछ स्पेशल है भी नहीं है इक्विटी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखिए क्या लिखा है मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर रुपीज फाइव हंड्रेड इच तो सर ऐसा है वो पांच सौ रुपए का शेयर खरीदने का सोच रहा है फाइव हंड्रेड मार्केट प्राइस ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं फाइव हंड्रेड मार्केट प्राइस फेस वैल्यू है हंड्रेड रुपीज ठीक है ही इज एक्सपेक्टिंग बोनस एट द रेट ऑफ वन इज टू फाइव ड्यूरिंग द फर्स्ट ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर सर ऐसा है कि आज आप एक शेयर खरीदिए पहले साल दूसरे साल तीसरे साल वो एक ही शेयर रहेगा फोर्थ ईयर में पैसा कुछ नहीं लगने वाला कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर देगी पांच के बदले में एक मतलब सर जिन्होंने एक शेयर खरीदा है उनके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे उनके पास वन शेयर्स हो जाएगी ये एक फ़ायदा है इस कंपनी में अच्छा सर तो सर इसमें तो पैसे नहीं लग रहे पैसे तो आज ही लग रहा है मेरे ठीक है और डिविडेंड मिलेगा ट्वेंटी परसेंट सर ट्वेंटी परसेंट का मतलब सौ रुपए का ट्वेंटी परसेंट फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड मिलता है यस तो सर इसका मतलब जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा ट्वेंटी रुपीज़ ट्वेंटी डिविडेंड मिलेगा अब सवाल ये होता है कि सर पहले तीन साल तक तो हमारे पास एक ही शेयर था ठीक है फोर्थ ईयर में हमारे पास पॉइंट टू शेयर एक्स्ट्रा है तो उस पर हमको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वैसे तो मिलना चाहिए और बोला भी है क्वेश्चन दी सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपैंडेड कैपिटल बेस बोल रहा है कि जो बोनस शेयर है ना उस पर भी डिविडेंड मिलेगा मतलब सर अगर बीस रुपए हैं तो बीस इंटू वन पॉइंट टू ट्वेंटी फोर रुपीज डिविडेंड मिलना स्टार्ट होगा फोर्थ के आज से और फर्स्ट से थ्री वन टू थ्री इयर्स बीस रुपए डिविडेंड मिलेगा और फिर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवंथ ईयर ट्वेंटी फोर रुपीज डिविडेंड इंटेंड टू सेल द शेयर्स और इसके बाद बोले हम शेयर बेच देंगे और कौन सी ईयर में बेचेंगे बोले सेवंथ ईयर में हम शेयर बेच देंगे सेवंथ ईयर में शेयर बेचेंगे और बेचने से हमें नाइन हंड्रेड मिलेगा तो सर शेयर्स कितने बेचेंगे जितना है एक्चुअल में मैं क्या निकालने की कोशिश कर क्योंकि क्वेश्चन मेरा रीड किया हुआ है और आपका भी थोड़ा बहुत रीड किया होगा ही रिविजन हो रहा है तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पैसा कितना लग रहा है आज और पैसा कितना आ रहा है हमें आज खरीदना तो एक ही शेयर है लेकिन जब सातवें साल में बेचोगे तो हमारे पास एक शेयर नहीं होगा हमारे पास 1.2 शेयर्स हो जाएगा यस yes. तो सेवंथ ईयर में बोचूंगे वन पॉइंट टू शेयर कितने के हिसाब से बेचोगे नाइन हंड्रेड के हिसाब से ये भी पैसा आएगा ये सब पैसा आ रहा है ठीक है वन पॉइंट टू शेयर्स बेचेंगे और कितने के क्योंकि यार पैसा हमारा कितना लग रहा और कितना आ रहा बहुत बच्चे बोलते हैं सर यहाँ एक शेयर के हिसाब से बात करते हो और नीचे 1.2 शेयर्स के हिसाब से बेटे कंपेरेबल नहीं है कम्पेरेबल की बात ही नहीं है ना यार मैं कह रहा हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है दैट्स इट इंसीडेंटल एक्सपेंसिव purchase एंड सेल्स कितना दे रखा फाइव परसेंट है incidental expenses मतलब खर्च मतलब सर अगर शेयर का प्राइस 500 है तो हमको पांच परसेंट ज्यादा देना पड़ेगा तो आज हमारे इस जेब से जाएगा 525 और जब बेचोगे तो जो बेचोगे उसमें से फाइव परसेंट कट के मिलेगा ठीक है ये भी देख लेना पैसा कितना जा रहा है पैसा कितना और डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना है ट्वेल्व परसेंट से पूछ रहा है क्या मिस्टर को शेयर खरीद लेना चाहिए तो देख लेते हैं हमारा नेट बेनिफिट कितना है ठीक है सर हमें क्या निकालना है हमें सबसे पहले निकालना वैल्यू पर शेयर सौ रुपए का बीस परसेंट बीस रुपए तीन साल तक और उसके बाद ये मैंने डिस्कस कर चुका और शेयर कितने के में बेचोगे 900 हंड्रेड इंटू वन पॉइंट टू इंटू पॉइंट नाइन फाइव क्यों किया होगा क्योंकि 5% परसेंट कॉस्ट और सेवंथ ईयर का फैक्टर ही लेना ये आप जानते हो तो टोटल मिलाकर पैसा आ रहा है फाइव सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स एट और पैसा लग रहा है फाइव ट्वेंटी फाइव तो हमारा जो बेनिफिट है वो है थर्टी एट पॉइंट सिक्स एट अगर इस हिसाब से सोचूं, तो मुझे शेयर खरीद लेना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू भी करके देखा है मैंने तो भी मेरा थर्टी एट रुपीज का फायदा है ठीक है सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं वाट अगर आप शेयर खरीदने को तैयार है ठीक है तो कितने में मिल रहा है फाइव ट्वेंटी फाइव वो बोल रहा फाइव ट्वेंटी नहीं आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं मैक्सिमम भाई मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ मैक्सिमम फाइव हंड्रेड से ज्यादा दे सकता हूँ भाई मैक्सिमम कितना जितना मुझे मिल रहा है अगर मुझे मिल कितना आ रहा है मुझे मिल रहा है, फाइव सिक्सटी थ्री तो शेयर के लिए क्या मैक्सिमम मैं फाइव सिक्स नहीं शेयर के लिए फाइव सिक्सटी थ्री नहीं दे रहा हूं मैक्सिमम कितना दे सकते मैक्सिमम प्राइस पूछ रहा है तो सर मैक्सिमम प्राइस निकाल लेते यहां तो निकाल लेते जैसे ये ये वाला पूछ रहा है ना सर यस तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि देखो कितना आ रहा है मेरे पास फाइव सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स एट तो सर इसको ले लेते x प्लस पांच परसेंट ये सब मिलाकर 563.68 से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं तो वो बोले शेयर के लिए मैक्सिमम कितना दे सकते हो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के अलावा मैंने कहा वो मुझे नहीं मालूम दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 563 सिक्सटी थ्री कोई मैंने किया होगा x मान के कर लिया मैंने कहा आंसर आ गया मैं, मैं मैक्सिमम दे सकता हूं फाइव ठीक है जी ठीक है सर मजा आया अच्छा क्वेश्चन भी अच्छा था मजा वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन पढ़े अच्छा क्वेश्चन है पीयूष लुनकर वाला क्वेश्चन पीयूष लुनकर एंड एसोसिएट प्रेजेंटली पे आप सब लिखा है प्रेजेंटली पे मतलब डी जीरो कितना रुपए दिया है? एक रुपए पर शेयर दिया है डी जीरो और शेयर का प्राइस कितना दिया है ट्वेंटी पॉइंट नंबर ए क्या इफ दिस डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो कितने परसेंट ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ रेट दिया है, कितना ट्वेल्व परसेंट वॉट इज द फर्म एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मतलब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आर -E मांग रहा है या केई -E मांग रहा है केई so, -E कैसे निकालते वो तो ठीक है लेकिन देखो पी जीरो का फॉर्मूला होता था वन डिवाइडेड बाय केई माइनस मालूम है क्या यस yes, ट्वेंटी कितना है One. 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 और माइनस कितना है जीरो पॉइंट लिखा तो है इक्वेशन आंसर तो वही आएगा पर सुनो ना मेरी बात मैं एक्चुअली करना क्या कहना क्या चाहता हूँ बस यहां मैं कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे है? हम ये निकाल रहे कि, कि किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं परपेचुअल कि मेरा आंसर बीस रुपए आ जाए वही तो के ही होता है अच्छा मतलब सर आईआरआर जैसे है कि हां किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए बीस रुपए आ जाए बस हालांकि फॉर्मूला ये है तो इस फॉर्मूले से आप काम कर सकते पहले का आंसर कितना आ गया सेवनटीन पॉइंट सिक्स पर मैंने जो शब्द बोला है वो क्यों बोला अगले पार्ट के लिए वो शब्द मैंने यूज किया रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि मेरा आंसर बीस रुपए आ जाए बोले ऑफ़ दिस सिचुएशन इन पार्ट पार्ट के अलावा सपोज दैट डिविडेंड जो है ग्रोथ रेट है बीस परसेंट पर एन कितने साल तक पांच साल तक फाइव इयर्स तक बीस परसेंट और उसके बाद टेन परसेंट देर आफ्टर मतलब मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए ओके सर पांच साल तक ट्वेंटी परसेंट क्या चीज ग्रोथ रेट और उसके बाद सर फॉर्मूला नहीं लग सकता ये वाला ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा जब ग्रोथ रेट पर पिच वाला मतलब पी फाइव पर लगेगा और क्या लगेगा सर डी सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस जी पर यही तो पता करना है हमको सर तो डिविडेंड पता लगा सकते डिविडेंड तो पता लगा सकते पर डिविडेंड को डिस्काउंटिंग किससे करना है ये नहीं मालूम ना यार यही तो प्रॉब्लम है डिस्काउंटिंग रेट पता करना सुनो ना सर इसको डिस्काउंटिंग करोगे और इसको भी डिस्काउंटिंग करोगे सबको डिस्काउंटिंग करो और आपका आंसर पी जीरो आना चाहिए ये तो बोल रहे थे आप हाँ और पी जीरो तो दिया है बीस रुपए हाँ भाई पी जीरो दिया और आपने एक शब्द यूज किया था ना कि किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर बीस रुपए आ जाए तो सर हम हिट एंड ट्रायल से काम कर सकते हैं आई मेथड पहले हम दस से डिस्काउंटिंग करके देख लेते हैं फिर पंद्रह परसेंट से देख लेते और दोनों के बीच का इंटरपोलेशन करोगे वही डिस्काउंटिंग रेट आएगा और इसी को तो आप ही बोलोगे एग्जैक्टली exactly, यही तो है ठीक है तो भाई साहब इन्होंने इंस्टीट्यूट ने सीधा एटीन परसेंट स्टार्ट किया आप टेन से भी स्टार्ट कर सकते हो उसकी वजह है उनका यार कहना क्या केई तो वैसे भी सेवनटीन आया ही था तो चलो एटीन से स्टार्ट करते हैं और उन्होंने सबसे पहले डिस्काउंटिंग रेट कितना लिया 18 परसेंट लिया और 18 परसेंट से पी जीरो निकालने की कोशिश किया और कितने परसेंट का ग्रोथ है 20 परसेंट का ये वाला काम तो हो ही रहा 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट और लास्ट में आपने के ही कितना डिस्काउंटिंग किससे करना 18 परसेंट तो के ही कितना लिया अठारह परसेंट ठीक है सर मतलब पूरा डिस्काउंटिंग से लास्ट में निकाला तो ये आया उसको भी साल से फैक्टर तो तो देना चाहिए ठीक है सर पर क्योंकि रेट ट्वेंटी परसेंट आया और ट्वेंटी परसेंट बीस रुपए आना चाहिए पर बीस रुपए से ज्यादा आया तो सर अब डिस्काउंट सॉरी एटीन परसेंट पे सॉरी एटीन परसेंट एटीन परसेंट पे ट्वेंटी आना चाहिए था पर ट्वेंटी से ज्यादा आया और मुझे आंसर कम लाना तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा बॉन्ड में खूब पढ़ पड़क है और अब की बार मैंने डिस्काउंटिंग रेट कितना ले लिया ट्वेंटी परसेंट और उससे आंसर निकाला तो कितना आ गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स एट और इन दोनों के बीच का आएगा रुपीस ट्वेंटी कुछ बच्चों का ये भी कहना था सर इंटरपोलेशन ना करें सीधा क्योंकि बीस रुपए के आसपास तो आ गया तो एटीन परसेंट लिख दे तो चलेगा कि चल सकता है पर ये हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन है और स्टडी मैट का क्वेश्चन है तो आप समझदार हो इंटरपोलेशन से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ये भी बीच में शायद स्क्रीन रुकी थी कुछ समय के लिए और मैनेजेबल था ये समझा चुका था इंटरपोलेशन से आगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पे आते क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पढ़े यस लिखा हुआ है टी वेल कॉरपोरेशन मैनुफैक्चर ऑफ डू इट यूर ये भी अच्छा क्वेश्चन है सी वेल कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर ऑफ डू इट योरसेल्फ सेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर रिपोर्टेड ईपीएस दिया है दो हजार तीन का टू पॉइंट वन जीरो दो हजार तीन का ईपीएस दिया हुआ है टू पॉइंट वन ठीक है आगे बढ़े है ठीक है सर यहाँ तक भी बात समझ में आती अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फिफ्टीन परसेंट पर एन एम फ्रॉम टू थाउजेंड फोर टू टू थाउजेंड एट बोले इसके बाद ये हो चुका है बोले कितने से बढ़ेगा बोले पंद्रह परसेंट से बढ़ेगा दो हजार चार में पांच में छ में सात में और परसेंट से बढ़ेगा डरिंग दिस पीरियड द डिविडेंड पे आउट रेशो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज बोले डिविडेंड पे आउट रेशो सेम ही रहेगा इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि डिविडेंड भी कितने परसेंट से बढ़ा देंगे फिफ्टीन परसेंट से बढ़ा देंगे अल्टीमेटली आप अर्निंग बढ़ाओ और उसका डिविडेंड पे आउट रेशो निकालो एक ही बात है भाई तो सीधी सी बात वो ही कहना चाहता था अर्निंग भी बढ़ेगा 15 परसेंट से और डिविडेंड भी बढ़ेगा 15 परसेंट से आने वाले पांच साल तक और आफ्टर 2008 द अर्निंग्स ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू स्टेबल रेट बोले उसके बाद बढ़ेगा अर्निंग बढ़ेगा पर रेट ड्रॉप हो जाएगा रेट फिर फिफ्टीन नहीं रहेगा रेट फिर सिक्स परसेंट रहेगा ठीक है अभी अर्निंग कम हो रहा है तो डिविडेंड भी उसी स्पीड में कम करोगे तो शेयर होल्डर का विश्वास खत्म हो जाएगा तो बोले इसकी वजह से पे आउट रेशियो जो है हमको इंक्रीज करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा सिक्सटी फाइव परसेंट पहले कितना था मतलब नहीं है अभी जितना अर्निंग आएगा उसका पैंसठ परसेंट दे, दे देंगे द फॉर्म बीटा दिया है वन पॉइंट फोर जीरो करेंटली और बीटा वन पॉइंट वन जीरो आफ्टर टू थाउजेंड एट मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट और टीबिल रेट दिया मतलब आर एफ दिया है, मतलब दिया है सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड एट जब से ग्रोथ परपेचुअल होगी वो वाला प्राइस निकालना है ठीक है पहले वर्किंग तो कर ले थोड़ा बहुत इट मीन्स मैंने 2003 का यहाँ लिख लिया यहाँ से स्टार्ट कितने परसेंट से बढ़ाया 15 परसेंट फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन ठीक है ना यस yes. और डिविडेंड भी कितने से बढ़ाया 15 परसेंट फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट पक्का आना सर पॉइंट सिक्स नाइन प्लस पंद्रह परसेंट प्लस पंद्रह परसेंट ठीक है इसके बाद सबसे पहले क्या मांगा गया सर सबसे पहले मांगा गया एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 2008 एट अब ध्यान से देखना कि क्या कैसी हो पहले तो हमको डिस्काउंटिंग जिससे करना वो करना पड़ेगा यस तो आर एफ एस सिक्स पॉइंट टू फाइव कहाँ दिया है सर दिया हुआ था कहीं ना कहीं ये दिया है सिक्स पॉइंट टू फाइव वो ले लिया एम आर पी ले लिया फाइव पॉइंट फाइव तो ठीक है एम आर पी भी आ गया फाइव पॉइंट फाइव लेकिन बीटा मालूम है कौन सा वाला सेकेंड स्टेज स्टेज टू स्टेज वन मतलब जब एबनॉर्मल ग्रोथ था मतलब सर बीटा लिया होगा वन पॉइंट वन जीरो बीटा लिया तो ये आ गया ट्वेल्व पॉइंट थ्री जीरो ठीक है सर अब हमें क्या करना है हमें एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा मतलब पी फाइव पूछा उसके लिए हमको डी सिक्स चाहिए तो क्या किया है देखो अर्निंग कितना 4.22 उसके बाद मालूम है कितने परसेंट से बढ़ेगा बोले 6 परसेंट से तो सिक्स परसेंट से बढ़ा दिया और एक बात बोला कि डिविडेंड पे आउट रेस उसके बाद कितना रहेगा 65 परसेंट तो ये 65 परसेंट की ठीक और सर उसके बाद के ई के ई निकला हुआ है और ग्रोथ रेट तो 6 परसेंट हो गया तो आंसर आ जाएगा आपका 2.91 डिवाइडेड बाय 0.063 तो ये आ गया। कितना सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स वन उतना ही होगा सर फोर्टी सिक्स पॉइंट देख लूँ कि कैलकुलेशन का टू पॉइंट नाइन वन डिवाइड जीरो सिक्स फोर्टी सिक्स पॉइंट वन नाइन ठीक कर लेना दिस इज फोर्टी सिक्स पॉइंट वन नाइन ठीक है सर अब बात करते ये कौन सा था स्टेज टू अब स्टेज वन स्टेज वन मतलब पहले के ये वाले डिविडेंड इसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग किससे करना वो डिस्काउंटिंग के ही निकालना पड़ेगा और केई में बीटा चेंज हो जाएगा बीटा वन पॉइंट फोर हो जाएगा थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव पर और ये जो ये याद रखना इसको डिस्काउंटिंग मत कर देना ये तो हो चुका है यहाँ से स्टार्ट करना पॉइंट सेवन नाइन और कहाँ तक करोगे सर वन पॉइंट थ्री नाइन तक आंसर आ जाएगा ये आ गया यूरो थ्री पॉइंट फाइव ये कौन सा स्टेज टू तो अब फोर्टी सिक्स पॉइंट वन नाइन साल का प्राइस है वो किया अब बच्चे बोलते कि सर ये जो है यहाँ हम जो डिस्काउंटिंग रेट है क्या डाउट आया था तो सुनो तो बच्चों का कहना सर अब जब डिस्काउंटिंग करोगे तो यार ये वाला तो पांच साल के बाद का है तो डिस्काउंटिंग ट्वेल्व पॉइंट थ्री जीरो परसेंट से ही होना चाहिए बेकार की बात है यार ऐसा डाउट आना नहीं चाहिए पर सुनो ध्यान यहाँ से जितने भी डिविडेंड है उसको डिस्काउंटिंग करना है ट्वेल्व पॉइंट थ्री जीरो परसेंट से और यहाँ के कैश फ्लो जो भी हो उसको डिस्काउंटिंग करना है थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट से तो जो वैल्यू आया वो यहाँ का आया था और इसके बाद अगर डिस्काउंटिंग करना तो थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट से होता है इसके बाद तो आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एट जीरो भी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट जीरो पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर एटी थोड़ा सा ये कौन सा वाला है सर ये क्वेश्चन किस टाइप का इसमें ना लीनियर वाली बात शब्द लिखे ग्रोथ सर समझाओगे क्या समझा देता लिखा करेंट ईपीएस कितना रुपए है चार द कंपनी सोन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रोथ फोर्टी परसेंट ऑन इट्स अर्निंग इन द फास्ट हुई है लास्ट फीव इस फोर्टी परसेंट का ग्रोथ हो रहा था पास ईयर्स एंड दिस हाई ग्रोथ दिसकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयरस और आने वाले साल में भी यही ग्रोथ रहे, रहेगा फोर्टी परसेंट आगे अब यहां से इंपोर्टेंट ये वाला लाइन इंपोर्टेंट आफ्टर विच ग्रोथ रेट इन अर्निंग विल डिक्लाइन फ्रॉम फोर्टी परसेंट टू टेन परसेंट ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा फोर्टी से टेन परसेंट हो जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा 40, years, है पांच साल तक चालीस परसेंट रहेगा कंफ्यूज हो गए इस बात से मुझे और दिक्कत गई थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि सर ऐसा है कि ये हो गया यहाँ तक ग्रोथ रेट कितना है चालीस परसेंट और इसके बाद दस परसेंट हो जाएगा परपेचुअल मुझे ये लगा था पर बोले परपेचुअल नहीं ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइव इयर्स कितना रहेगा टेन परसेंट तो टेन परसेंट सीधा ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया था कि क्या एंड रिमेन स्टेबल एंड टेन परसेंट आफ्टर और इसके बाद टेन परसेंट ही पर हो जाएगा अब मेरा दिमाग घूम गया दिमाग ऐसे घुमा कि यहां तक तो चालीस रहेगा फिर बोल रहा पांच साल बाद चालीस से दस हो जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा दस यहां से परपेचुअल हो जाएगा फिर वो बोले नहीं दस परसेंट रहेगा डूरिंग दाइव ईयर दो परसेंट करने का बोलेगा बोल रहे इसके बाद दस परसेंट पर हो जाएगा तो भैया पहले ही बोल देता कि पांच साल बाद दस परसेंट पर होगा लेकिन कहानी बाकी थी अब देखते कहानी क्या ये वाले तो क्लाइन इन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिन पीरियड इसको बोल रहा हूँ ट्रांजिशन पीरियड साल बाद ये वाला पांच साल एक मतलब छ सात आठ नौ दस ये दस बोले ये वाला इसको बोल रहा ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर लीनियर मतलब सर यहाँ है चालीस परसेंट ग्रोथ वो बोले इन पास सालों में कितना हो जाएगा ग्रोथ रेट घट के कितना हो जाएगा दस परसेंट तो बोले सीधा दस परसेंट मत घटाना जो घटेगा ना वो इक्वल रहेगा और लीनियर रहेगा मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा है चालीस माइनस दस तो तीस परसेंट ग्रोथ रेट डाउन करना है डिवाइडेड बाय फाइव तो हर साल जो ग्रोथ रेट है वो छः छः परसेंट से कम करना है मतलब सर छठवें साल में एक ग्रोथ रेट चालीस में से छ गया थर्टी फोर हो जाएगा थर्टी फोर में से छ गया ट्वेंटी एट हो जाएगा इस तरह से और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दस परसेंट हो जाएगा और उसके बाद टेन परसेंट पर पेज चल रहा है कैसा लगा मजा आ गया तो इसके लिए तो वर्किंग चाहिए बड़ी सी वो मैं करवाऊँगा आगे बढ़े करेंटली द कंपनी पे आउट रेशो अभी कितना है टेन परसेंट इट इज लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट आने वाले पांच साल तक जो पे आउट रेशो वो टेन परसेंट ही रहेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सिक्स ईयर की बिगनिंग से एंड ऑफ टेंथ ईयर तक पे आउट रेशो विल लीनियरली इनक्रीज एंड इस्टेब्लिश एट फिफ्टी परसेंट एट द एंड ईयर बोले यहां तक जो है डिविडेंड पे आउट रेशो कितना रहेगा टेन परसेंट ही रहेगा और बोले इसके बाद लीनियरली लीनियरली इंक्रीज होकर लास्ट में कितना हो जाएगा फिफ्टी परसेंट मतलब सर चालीस परसेंट से पे आउट रेशो बढ़ रहा है यस बोले एकदम से नहीं बढ़ रहा धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो चालीस डिवाइडेड बाय पाँच आठ आठ परसेंट से बढ़ेगा मतलब इसके छठवें साल में एटीन परसेंट उसके बाद और पांच आठ परसेंट बढ़ा देना इस तरह से काम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग करना है आपको 17 परसेंट से और फैक्टर दिया तो फैक्टर का यूज करोगे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड इफ करंट मार्केट प्राइस है 125 तो बताना है कि शेयर खरीदे कि नहीं खरीदे एग्जाम में आया था नवंबर दो में ठीक है सर इस क्वेश्चन को ध्यान से करोगे अगला क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूँ तो दे अब देखो ध्यान से मैंने कैसे सबसे पहले मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी मुझे निकालना होगा ईपीएस और डीपीएस डीपीएस मतलब डिविडेंड पर्सन अब ग्रोथ की बात करो कि ईपीएस में ग्रोथ रेट कैसा है 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%. कितने हर साल ग्रोथ रेट छह परसेंट से डाउन हो जाएगा तो चालीस में से छ गया थर्टी फोर में से छह गया ट्वेंटी छवेंट इस तरह से यहां दस परसेंट ईपीएस निकाल लिया उस हिसाब से निकाल सकते हो ना ईपीएस सर ये पांच रुपए साठ पैसे आया कहाँ से दिया होगा ना यार चार रुपए फोर्टी तो चार रुपए को कितने परसेंट से बढ़ाना था फोर्टी परसेंट से बढ़ाना था तो चार प्लस फोर्टी परसेंट फाइव पॉइंट सिक्स जीरो अब बात करते डिविडन पेन और फिर टेन से फिफ्टी में पहुंचना तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ एट से बढ़ा जाएगा उस हिसाब से हमने डिविडन भी निकाल लिया अब सबसे बड़ा खेल जिसमें दिक्कत है बच्चों दिक्कत है कि P10 निकालना है कि P9 निकाल P10 कि P9 वैसे तो P10 निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा P9 निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा पर मैं आपको बता दूं क्या करना सर हम इतना जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है परपेचुअल वाला हाँ ये तभी लगता है जब ग्रोथ रेट परपेचुअल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है उसके बाद से ग्रोथ रेट कब से स्टेबल हुआ एक मन कर रहा कि सर दस साल के बाद से स्टेबल हो गया और कितना हो गया दस परसेंट पर मैं कह रहा हूँ कि दस साल के बाद से नहीं नौ साल के बाद से स्टेबल हो गया सोचो ना यार नौ साल कितना था सिक्सटीन परसेंट उसके बाद दसवें साल में ग्रोथ रेट टेन ग्यारहवें में टेन बारहवें में टेन 10% तो यार ग्रोथ रेट जो परपेचुअल हुआ है ना एस्टेब्लिश हो गया है वो 9 9 साल के बाद से हुआ तो मैं P9 निकाल रहा हूँ अल्टरनेटिव आप P10 निकाल के करोगे आंसर एक ही आएगा मैं एक मुझे मालूम है कि जब ग्रोथ रेट आने वाले साल और उसके बाद से परपेचुअल हो जाएगा तो मैं P9 निकाल कर काम कर दूंगा ठीक है तो P9 निकला D10 और D10 हमारा निकला हुआ है डिवाइडेड बाय k तो ये आ गया ₹410.29 और उसके बाद कुछ था ही नहीं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद प्रेजेंट वैल्यू आया कितना वन वन एट पॉइंट सिक्स जीरो और शेयर का प्राइस था वन ट्वेंटी फाइव ओवर प्राइस है शुड नॉट बी पर ठीक है ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन होमवर्क एग्जाम में आया हुआ नवंबर बीस में प्लीज़ देख लेना एक बार क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर हो सकता है कि आपके जो है शीट में ना हो पर बुक में कहीं ना कहीं तो होगा तो क्वेश्चन को, नहीं होगा पर सॉल्यूशन जरूर है आपने जो ये जो प्रिंट आउट लिया है ना उसमें क्वेश्चन नहीं है पर सॉल्यूशन जरूर है तो प्लीज प्लीज़ प्लीज देखना होगा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़े यस लिखा है टेम लिमिटेड जस्ट पैट सर जस्ट पैट का मतलब डी जीरो रुपए दो रुपए एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मतलब सर ग्रोथ रेट भी दिया है ग्रोथ रेट कितना दिया है छसेंट आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर

कि कुछ दिन तक जैसे तैसे घर चला लेना तीन साल तक हम आने वाले तीन साल तक डिविडेंड नहीं देंगे लेकिन यकीन मानो क्योंकि हम वो पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं लेकिन यकीन मानिए जब डिविडेंड देना स्टार्ट करेंगे ना फोर्थ ईयर से तो जबरदस्त डिविडेंड देंगे बस उनका ये कहना और ग्रोथ भी ज्यादा होगी अभी ग्रोथ कितनी है बोले अभी हमने पैड किया दो रुपया और ग्रोथ रेट कितना है ठीक है बोले डिविडेंड देने के बाद बोर्ड आपसे बोल रहा है कि अगर हम प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो अगले तीन साल तक हम आपका डिविडेंड रिटर्न कर लेंगे रिटर्न रखेंगे और उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोजेक्ट इज सेम रिस्क क्लास का मतलब डिस्काउंटिंग रेट वही लेना है आपको इसकी वजह से पैसा आना स्टार्ट होगा कहां से फोर्थ ईयर से और डिविडेंड दो रुपए की जगह कितना मिलेगा टू पॉइंट फाइव जीरो एक फायदा या तो अभी दो दो रुपए लोग जिंदगी भर लेते रहो दो, -दो रुपए ग्रोथ है भी तो कितना सा छह परसेंट यह तो तीन साल तक रुकिए पैसा कुछ नहीं मिलेगा तीन साल बाद आपको चौथे साल से टू पॉइंट फाइव जीरो मिलेगा डिविडेंड और ग्रोथ रेट सुनो पहले कितना था छ अभी होगा सात परसेंट ठीक है एग्री ऐसे कैसे एग्री दो समस्या है फायदा होगा भी कि नहीं होगा पहला मतलब यार प्राइस प्राइस एक बार देख लेंगे कि प्राइस क्या है और दूसरी समस्या ये है कि ये तीन साल तक घर कैसे चलेगा शेयर होल्डर का इन दो समस्याओं का समाधान कैसे बोले एक इन्वेस्टर है जिसके पास एक हज़ार शेयर्स एंड वांट्स से रिसिफ्ट और कम से कम भाई उसको एक हजार शेयर्स है तो दो रुपए के हिसाब से दो हजार रुपये मिलने वाला था उसका घर चल रहा था बोले यार ठीक है कंपनी मत दीजिए डिविडेंड मत दीजिए एग्री हूं मेरे पास है भी एक हजार शेयर्स क्योंकि पर एक हज़ार शेयर्स तो काम के है नहीं है डिविडेंड तो मिलेगा नहीं उससे पर मुझे दो हजार रुपए तो साल का चाहिए अब बताओ मैं क्या करूं घर कैसे चला कुछ ना कुछ तो कर सकते हो मेरे पास और कुछ नहीं है बस ये शेयर्स ही है अब को ये सजेस्ट कर सकती है कि शेयर्स बेच दो इन्वेस्टर पागल हो मतलब मैं शेयर शेयर बेचो और जो कमाई आपकी एक हजार शेयर पे हो रही थी ना बेचने के बाद तीन साल चौथे साल बाद देखोगे तो उससे ज्यादा कमाई होगी दो तो हजार से ज्यादा कमाई होगी देख लेना बस यही बताने की कोशिश शो शो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ द बोर्ड पहली बात कि आप मार्केट वैल्यू निकाल कर बताइए और बताइए बोर्ड के डिसीजन पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसके अलावा ये भी बताइए कि जो इन्वेस्टर है उसका जो टारगेट रिसिट है दो तो हजार रुपये वो किस तरह से मेंटेन करेगा और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है हमको डिस्काउंटिंग रेट एट पर कट करेगा सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी प्रेजेंट सि निकाला गया है और पी जीरो का फॉर्मूला मालूम आपको डी वन डिवाइडेड बाई के माइनस प्रेजेंट सिचुएशन और आंसर कितना आ गया एक सौ अच्छे रुपये सर ये डी जीरो कैसे बोल अभी डिविडेंड पैड किया है लिखा लिखा ठीक है डी वन डिवाइडेड बाई के माइनस जी तो आंसर आ रहा है एक सौ अच्छे अब हमने कहा अगर हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर कंसिडरिंग प्रोजेक्ट क्योंकि डिविडेंड चौथे साल से मिलना स्टार्ट होगा तो मैं डी फोर निकालूंगा और डी फोर दिया ढाई रुपए और आंसर आ गया दो सौ पचास पर प्रॉब्लम है कि अभी भी कंपेरिजन नहीं हो सकता ये प्राइस कब का है आज का ये प्राइस कब का है चौथे साल का मतलब तीसरे साल के एंड का तो इसका प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना पड़ेगा और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला हमने दो सौ पचास डिवाइडेड तो आंसर आ गया वन नाइन एट और अभी भी देखो क्या शेयर का प्राइस बढ़ गया यस अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोजेक्ट करो ना यार ठीक है ये बताना है पहले पॉइंट ठीक है सर ये वाला तो काम हो गया अब सर दो हजार कैसे मेंटेन करेगा वो इन्वेस्टर ये भी समझा दीजिए इन ऑर्डर टू मेंटेन इनकम ऑफ रुपीज टू थाउजेंड इन्वेस्टर शुड सेल हिज शेयर्स शेयर बेचना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में कितने शेयर्स बेचेगा तो फर्स्ट ईयर में प्राइस क्या है तो सर देखो अभी का प्राइस है वन नाइन्टी एट पॉइंट फोर सिक्स एक साल बाद का प्राइस निकालना मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो सर ये आ गया टू वन फोर पॉइंट थ्री सिक्स एक साल बाद का प्राइस ठीक है सर अब उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं दो हजार रुपया चाहिए एक शेयर तो सर टोटल मिलाकर फ्रैक्शन में आया होगा हमने राउंडेड ऑफ करके बोला कि कम से कम दस शेयर्स बेचना पड़ता अब सेकेंड ईयर का प्राइस निकाल रहा हूँ तो सेकेंड ईयर का प्राइस इसी में मैंने आठ परसेंट फिर बढ़ा दिया तो टू थर्टी वन पॉइंट फोर एट तो दो हज़ार रुपये के लिए हमको नाइन शेयर्स बेचना पड़ेगा और थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का प्राइस तो हमको मालूम है तो कितना शेयर्स बेचना पड़ेगा आठ शेयर्स तो एक हज़ार शेयर्स थे उसमें मैंने टोटल मिलाकर तीनों सालों में मिलाकर सत्ताईस शेयर्स बेच दिया तो भी मेरे पास नौ सौ तिहत्तर नाइन सेवनटी थ्री शेयर्स बचा और 973 पर मैं दो रुपए पचास पैसे डिविडेंड का मिलेगा तो भी मेरा इनकम टू फोर थ्री टू है जबकि आप कितना कमा रहे थे? दो हजार ही कमा रहे थे ना लो इनकम भी तो बढ़ गया ठीक ये भी क्वेश्चन अच्छा ये सॉल्यूशन आपके पास है ये मेरे काम का नहीं खत्म सर तो ये जो मल्टीपल ग्रोथ मॉडल है ख़त्म हो गया कि हाँ जी अब छोटे 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 टॉपिक हैं जो आसानी से ख़त्म हो जाएगा टाइम नहीं लगेगा चलो बढ़े आगे अब छोटे छोटे टॉपिक बिल्कुल सिंपल सर बाईबैक डिसीजन बाईबैक डिसीजन कुछ नहीं है बाईबैक डिसीजन में होना चाहिए था कि हमको बाई बैक करना चाहिए पैसे हैं हमारे पास बाई बैक करना चाहिए कि डिविडेंड देना चाहिए ऐसा कुछ पूछे ही नहीं है एक ही क्वेश्चन और बार बार आई सी आई वही क्वेश्चन उठा कर दे देते ये वाला क्वेश्चन इसमें है क्या चक्कर क्या है चक्कर ये है कि अभिषेक लिमिटेड था है उसके पास कैश कितना था नब्बे लाख रुपया कैश पड़ा था और वास्ट टू डिस्ट्रीब्यूट थर्टी परसेंट डिविडेंड देना चाहता था तो नब्बे लाख का थर्टी परसेंट तो सर सत्ताईस लाख रुपए डिविडेंड देने का सोच रहा था ठीक है सत्ताईस लाख रुपए डिविडेंड देने का सोच रहे थे कंपनी सोच रही है कि यार सत्ताईस लाख डिविडेंड क्यों दे रहे हैं मत दो ड्रिविडेंड एक काम करो शेयर से बाईबैक कर लीजिए तो सत्ताईस लाख मुझे खर्च करने हैं बाय बैक करने फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी एस्टिमेट दैट इट्स शेयर प्राइस प्राइसर आफ्टर बाईबैक जो है वो दो दस परसेंट ज्यादा रहेगा किससे बाईबैक प्राइस से जितने रुपए में बाईबैक करोगे बाईबैक करने से कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक हो सकते हैं सर सत्ताईस लाख रुपए है और एक शेयर जितने का भी होगा मतलब एक्स का होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बाई निकल जाएगा कि कितने रुपए में बाई कर रहा है

है ना कितना कम होगा सत्ताईस लाख रुपया यूज करना है और कितने में बाई करना है ये नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाई निकलेगा ठीक नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाईबैक नहीं नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक निकलेगा कितने शेयर्स बाईबैक कर और अर्निंग है तीन रुपए यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन क्या मांग रहा है जरा देखे यू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रिपर्चेस्ड मतलब ये मांग रहा है सर हम बाईब प्राइस यस शेयर्स कितने में बाई बैक कर लेना चाहिए इफ द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी शुड बी 200 लाख आफ्टर बाई बैक मार्केट कैप क्या होता है सर मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर्स जो भी मार्केट में है इन टू एम पी एस तो सर ये जो दो सौ लाख है ये मार्केट कैप दिया हुआ पर ये मार्केट कैप बाईबैक के बाद का दिया है इट मीन्स ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स भी मुझे कब का लेना पड़ेगा बाईबैक के बाद का और एम पी एस भी कब का लेना पड़ेगा बाईबैक के बाद का तो सर बाईबैक के बाद, बाद नंबर ऑफ शेयर्स दस लाख नहीं हो गए दस लाख से कम हो गए कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा तभी कम होगा और क्या इक्वेशन बनाया था हम लोग हमने ये इक्वेशन बना हमने कहा कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है दस लाख यस इसमें से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगी कितना रुपए यूज कर लेंगे हम लोग सत्ताईस लाख ठीक है और एक शेयर कितने में बाई कर एक्स में बाई बैक प्राइस को एक्स मान लिया तो ये सर ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाई और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने जो एक्स है उससे 1.10 ज्यादा पोस्ट प्राइस उसने बोला था क्वेश्चन में कि जो बायबैक के बाद का प्राइस है ना वो जो बायबैक प्राइस है उससे 10 परसेंट ज्यादा होगा और ये सब मिलाकर आ जाएगा मार्केट कैप और मार्केट कैप आ गया दो सौ लाख आंसर निकल जाएगा और आंसर इक्वेशन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया ट्वेंटी पॉइंट बायबैक प्राइस हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक तो ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी पॉइंट एट तो ये कुछ विशेष नहीं है तो आराम से हो जाए ट्वेंटी सेवन तो ये नंबर ये आ गया आंसर ठीक फिर क्या पूछा बोले बाईबैक के बाद ईपीएस में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अभी ईपीएस कितना था तीन और दस लाख शेयर था तो सर तीस लाख रुपए की अर्निंग हो रही थी ठीक है सर और बाईबैक के बाद नंबर ऑफ शेयर्स तो कम हो जाएगी तो फिर ईपीएस आ जाएगा थ्री पॉइंट फोर फाइव ई तो बढ़ना ही था स्वाभाविक बात था तो सर तीन रुपए जो ईपीएस था तीन रुपये पैंतालीस पैसे हो गया तो ईपीएस बढ़ के कितना हो गया थ्री पॉइंट फोर फाइव या पॉइंट फोर फाइव से बढ़ गए खत्म प्लीज ये जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है ना यार ये देख कर चले जाना प्लीज क्योंकि आजकल पता नहीं आई ऐसे एस, ही क्वेश्चन है जैसे ये बाई का एक ही क्वेश्चन है तो यही उठाकर दे देता अगला टॉपिक कर रहे वैल्यूशन ऑफ राइट राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास अधिकार होते हैं जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको थोड़े से कम प्राइस में शेयर्स उनके पास राइट होता है शेयर्स खरीदने का थोड़े से कम प्राइस क्या उन्हें शेयर्स खरीदना ही पड़ता है नहीं सर वो इग्नोर भी कर सकते पर और, और एक तरीका है उनको जो राइट मिलता है वो खुद नहीं खरीद रहे तो किसी अपने रिश्तेदार से बोल सकते हैं या किसी और को बेच सकते हैं कि भाई ये लो मुझे कुछ पैसे दे दो और जाओ मेरे बदले में क्योंकि शेयर सस्ते में मिल रहा है तो आप खरीद सकें इसको क्या बोला जाता है राइट रिनाउंस्ड ठीक है सर वो हमारे काम की नहीं है अब सवाल ये है कि क्या क्या स्टेप्स क्या क्या हमें क्या निकालना होता है हमें वैल्यू ऑफ राइट निकाल और वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए करना क्या है एक तो करना है हमें सबसे पहले थियोरिटिकल एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस निकालना सर ये एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस होता क्या है जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था राइट right, मन से बोल रहा हूँ तो यहाँ प्राइस था चालीस रुपए जब कंपनी ने कहा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको राइट right शेयर मिलेंगे और जैसी मिलेगी तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि हमारे पास एक अधिकार आ गया था एक्स्ट्रा कि हमको राइट right शेयर्स मिलने वाले हैं हमको कम दामों में शेयर्स मिलने वाले हैं इसलिए हमारे शेयर का प्राइस कितना था चालीस जो काम होना था हो गया राइट मिल सब को मिल गए गए काम खत्म हो गया अब शेयर का प्राइस गिरेगा पक्का है क्यों गिरेगा क्योंकि उसमें से अगर इसमें राइट चिपका हुआ था ना यार यस अब राइट इसलिए इसकी कीमत चालीस थी जैसे ये निकल गया अब यही तो बचा एक्सक्लूडिंग इसमें राइट इंक्लूड था इसमें राइट एक्सक्लूड हो गया तो ये वैल्यू ऑफ राइट आ गया और वैल्यू ऑफ राइट कितना है आठ मुझे ये वाली प्राइस निकालना है और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ मैं नाम दे रहा हूँ एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा वैल्यू प्राइट सर तो एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस कैसे निकलेगा ये तो मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एंट्रेंसिक वैल्यू बहुत सारी बातें बताया हूँ तो अब मैं इसको एक घंटे नहीं खींच सकता ना मैं वेटेड एवरेज कर रहा हूँ और कुछ नहीं सर ये क्या फॉर्मूला क्या चक्कर है चिंता मत करो ये मैं करवा दूंगा एग्जाम्पल के साथ करवा ठीक। और ये भी मैं करवा दूंगा वैल्यू ऑफ राइट भी करवा दूंगा पर एग्जाम्पल ये फॉर्मूले का मतलब नहीं है फॉर्मूला समझ में आएगा नहीं कि क्या लिखा एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू समझते हैं करते एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी देखो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने एक लाख ठीक है सर अभी प्राइस कितना है चालीस रुपए हम राइट इश्यू कर रहे हैं हर पांच के बदले में एक पांच के बदले में एक तो कंपनी को शेयर्स कितने इश्यू करना पड़ेगा सर तो पांच के बदले में एक तो एक लाख डिवाइडेड बाय पांच सर तो कंपनी को उस हिसाब से ट्वेंटी थाउजेंड शेयर राइट शेयर इश्यू करना पड़ेगा और ऑफर प्राइस कितना है थर्टी रुपीज में इश्यू करना तो मुझे राइट खत्म होने के बाद का प्राइस निकालना जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस और मैंने कहा ये वेटेड एवरेज ही कर लेना मतलब कैसे करोगे सर एक लाख और अभी शेयर का प्राइस कितना है चालीस रुपए प्लस राइट शेयर्स कितना इश्यू कर रहा है बीस हजार और कितना तीस और इसको डिवाइड किससे कर दे सर टोटल मिलाकर वन लैख ट्वेंटी तो ये निकल जाएगा एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस और कुछ बच्चे शॉर्टकट भी लगाते हैं वो कहते हैं यार पाँच के बदले में एक तो ऐसा भी कर लेते हैं कुछ बच्चे चालीस इंटू पाँच प्लस तीस इंटू एक डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया शॉर्टकट भी लगा देते चालीस इंटू पाँच तीस इंटू वन डिवाइडेड बाय आंसर आ रहा मेरा थर्टी एट पॉइंट थ्री ये ये भी चलेगा, ये भी चलेगा चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थर्टी एट पॉइंट पहले शेयर का प्राइस कितना था चालीस रुपए था अभी कितना हो गया थर्टी एट पॉइंट क्या वैल्यू प्राइस निकल सकता है आसानी से चालीस डिवाइडेड थर्टी एट पॉइंट थ्री आंसर आ गया डिवाइड चालीस माइनस थर्टी एट पॉइंट सिक्स सेवन मतलब यार सर आप ये कहना चाहते हो शेयर का प्राइस जो था और शेयर के प्राइस में जो कमी हो रही है शेयर का प्राइस था पहले चालीस रुपए और शेयर का प्राइस घट के हो गया अब थर्टी तो वो जो कमी हो रही है दिस इज वैल्यू ऑफ प्राइट यस वैल्यू ऑफ प्राइट पर शेयर बोलूं तो चलेगा वैल्यू ऑफ प्राइट पर शेयर एक्स राइट प्राइस निकालना निकाल लिया होगा थर्टी एट पॉइंट थ्री अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था इसके बाद निकालना मुझे वैल्यू पर यही समझाना है बस पहले तो मैंने वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर निकाला तो मैंने निकाला वन पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है पर शेयर ठीक है यहां तक बात समझ रहे अब और समझ रहा अब ध्यान से समझ अब सामने वाला बंदा आया बोलता आप शेयर खरीद रहे हो कि मैंने कहा नहीं मैं नहीं खरीद रहा हूँ तो बोल रहा ठीक है आप मुझे राइट बेच दीजिए मैंने कहा ठीक है ये लो एक शेयर पकड़ो एक शेयर और इस पे राइट है इस शेयर के लिए मुझे रिसिप्ट मिली है कि एक शेयर के बदले में आप पांच शेयर के बदले में एक शेयर खरीद सकते हो ऐसा कुछ है तो बोले ये लो ये मैं उसको एक एक शेयर एक मैंने कहा एक शेयर का प्राइस कितने से डाउन होगा वन पॉइंट सिक्स सेवन तो मैंने कहा ये लो एक शेयर जाओ आप खरीद के ले आओ शेयर और मेरा मेरा ओरिजिनल शेयर मुझको वापस कर दो अब वो भाई साहब एक शेयर लेकर गया होगा कंपनी तो कंपनी उसको वैसे ही भगा देगी बोले तो कम से कम पांच शेयर लेकर आओगे तब आपको एक राइट शेयर मिलेगा और सस्ते में मिलेगा फिर वो आया बोलता भाई एक शेयर नहीं मुझे पांच शेयर चाहिए मैंने कहा एक दो तीन चार पांच में दिया लेकिन मैंने कहा अब वन पॉइंट सिक्स सेवन से काम नहीं चलेगा अब इन टू कर लो इट मीन्स उस भाई साहब को उस बंदे को एक शेयर खरीदने के लिए कम से कम मेरे पास से पांच शेयर ले जाना पड़ेगा यस yes, सर और उस हिसाब से मेरे पास शेयर की वैल्यू कितने रुपए से डिक्रीज होगी एट पॉइंट थ्री थ्री तो मुझे उससे मैं लूंगा एट पॉइंट थ्री थ्री रुपीज फिर वो जाके शेयर खरीदेगा तो उसको एट पॉइंट थ्री थ्री एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक ये तरीका सर तो वैल्यू ऑफ राइट ऐसे निकालेंगे कैसे दोनों निकाल देना एकदम कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती तो दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है दूसरे तरीके से समझ लो एक बात बताइए आपने राइट शेयर खरीद लिया मैं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं राइट शेयर खरीदने का सोच रहा हूँ किसी दूसरे से शेयर लेके मैं सोच रहा हूँ यार एक शेयर है एक शेयर मैं जाता हूँ चलो स्टॉक एक्सचेंज शेयर कंपनी और कंपनी के पास शेयर खरीदने का सोचता हूँ तो मुझे कितने का मिलेगा मुझे मिलेगा तीस रुपए का हाँ लिखा लिखा ना ऑफर प्राइस तीस रुपए और तीस रुपए का मैं खरीद के लेके आऊंगा और उसको मार्केट में बेचूंगा मैं सोच रहा हूँ ऐसा अगर मार्केट में बेचूंगा तो थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री का बिक जाएगा अगर गिरेगा प्राइस तो क्या गिरेगा थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री हो जाएगा तो मुझे कितने का फ़ायदा होगा मुझे एट पॉइंट थ्री थ्री का फायदा होगा तो अगर सामने वाला मुझे राइट बेचेगा तो वो कम से कम या ज़्यादा से ज्यादा मुझे मैं उसको एट पॉइंट थ्री थ्री दूंगा उससे ज्यादा नहीं दे सकता दिस वैल्यू ऑफ राइट कितने कोई भी एंगल से समझो ठीक है चले आगे तो वैल्यू ऑफ राइट तो निकल गया अब मांग क्या रहा अब मांग रहा है राम इन्होंने सौ शेयर्स होल्ड किया है ठीक है उसको भी राइट मिलेगा कितना मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय 5 उसको अधिकार है कि वो 20 शेयर्स खरीद सकता है तो बताइए उसकी वेल्थ में चेंज होगा कि नहीं होगा अगर वो राइट शेयर्स खरीद लेता है अगर राइट किसी और को ट्रांसफर कर देता है या राइट इग्नोर कर देता अभी उसका वेल्थ है कितना उसके पास 100 शेयर्स है और अभी है 40 मतलब उसका वेल्थ है अभी है चार हजार फोर थाउजेंड देख ही लेते हैं ना ठीक सर बिफोर राइट है फोर थाउजेंड बीस शेयर उसको मिलेंगे तो पहला ऑप्शन है कि अगर वो राइट शेयर्स खरीद लेता है तो अगर वो राइट शेयर्स खरीद लेता है तो 120 शेयर्स हो जाएगी उसके पास नहीं यार वैल्यू 120 शेयर्स हो जाएंगे पर शेयर का दाम गिर गया 38.33 हो गया तो उसका वेल्थ हो गया 4600 लेकिन वो जो शेयर्स खरीदा है उसके लिए पैसे भी तो देने पड़े रुपए तो टोटल खर्च हो गए 600 तो उसका वेल्थ वापस कितना है 4000 और पहले भी कितना था 4000 तो वेल्थ में कोई फर्क नहीं दूसरा अगर वो राइट शेयर्स राइट बेच देता है तो राइट ही बेच दिया तो तो उसके पास शेयर्स कितने रह जाएंगे सर जितने थे उतने 1000 का हालांकि शेयर का प्राइस अलग गिर जाएगा हंड्रेड का हंड्रेड और थी। और दूसरी बात जब राइट बेचा है तो वह पैसे भी तो आए हो गए कितने बीस राइट बेचा है ना उसने बीस राइट थे बीस इंटू एट पॉइंट थ्री सर उसके पास वन सिक्सटी सेवन आया होगा तो उसका वेल्थ कितना था चार हजार का चार हजार मतलब वेल्थ में चेंज नहीं होगा अगर आप राइट शेयर्स खरीद लेते हो या तो राइट किसी और को ट्रांसफर कर देते हो तो वेल्थ में चेंज नहीं होगा लेकिन अगर आप राइट इग्नोर कर देते हो तो आपका वेल्थ घट के हो जाएगा थ्री एट थ्री ठीक है क्वेश्चन बनाते क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा पर एक आध क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा हालांकि सिंपल टॉपिक है तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आना चाहिए क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स पे जाते हैं। लिमिटेड शेयर अभी तेरह रुपए का है कितने शेयर है दस लाख शेयर है अभी दस लाख शेयर है और फर्म को कितने रुपए की जरूरत है फर्म को बीस लाख रुपए और चाहिए भाई बीस लाख का अरेंजमेंट करना To finance ए न्यू प्रोजेक्ट ठीक है right आर right if, if, if. Right for प्राइस ऑफ शेयर फॉर एवरी टू शेयर बदले में एक मतलब दस लाख के बदले में पांच लाख एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑफर प्राइस नहीं दिया वो हमको लगेगा लगेगा तो इसलिए बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पिछले एग्जाम्पल से इसलिए करवा रहा हूं हमें चाहिए बीस लाख रुपए ठीक है कितने में इश्यू करे कितने राइट शेयर कितने में इश्यू करें तो उन्होंने कहा भैया आपको चाहिए बीस और यहां से देखो कि बोले हम राइट शेयर इश्यू कितने करेंगे हर दो के बदले में एक मतलब हम पांच लाख शेयर इश्यू करेंगे तो उस हिसाब से हमें एक एक शेयर्स पर कितना मिलेगा तो बीस लाख डिवाइडेड बाय पांच लाख तो सर चार रुपए थी ऑफर प्राइस यही मुझको चाहिए था एक्स राइट प्राइस तो निकल जाएगा आ गया चार रुपए एक्स राइट प्राइस दस लाख इंटू तेरह पांच लाख इंटू चार पंद्रह लाख तो ये आ गया दस रुपए और वैल्यू ऑफ राइट निकल जाएगा यस ऐसे निकाल लो पर शेयर निकाल लीजिए या फिर सिक्स ऐसे निकाल लीजिए मतलब ऑफर प्राइस वगैरह राइट प्राइस और ऑफर प्राइस के साथ ठीक है मैंने इस कॉन्सेप्ट समझा भी बोल रहा है अगर हर चार के बदले में एक तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा ढाई लाख उसके हिसाब से फिर काम हो जाएगा फिर तो आप समझ जाओ वो बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टर्स होल्ड करता है हंड्रेड शेयर्स ऐसा लिखा है क्या बोले अगर द शेयर होल्डर वेल्थ चेंज फ्रॉम वन टू टू अगर ये ऑफर हो अगर ये ऑफर हो तो बताइए शेयर होल्डर की वेल्थ में चेंज होगा कि नहीं होगा यहां ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि कितने शेयर होल्ड करे तो हम हंड्रेड एज्यूम करके कर सकते हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं कि सौ शेयर्स होल्ड कर रखा है इन्वेस्टर ने तो वेल्थ बिफोर राइट सौ शेयर्स 13 का एक तो 1300 वेल्थ था अगर ऑफर मिला दो शेयर्स के बदले में एक शेयर्स तो हमारे पास टोटल हो गया 150 फिफ्टी शेयर्स मैं मान के चल रहा हूं कि हमने राइट शेयर्स खरीद ली वन तो फिफ्टी शेयर्स और पैसे पेमेंट किए उन 50 शेयर्स के बदले में चार रुपए तो वेल्थ 1300 हंड्रेड होगा किसी भी हाल नो इफेक्ट इन वेल्थ कर लोगे सर ये इजी टॉपिक तो क्वेश्चन नंबर 89 कर लोगे होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 84 अच्छा क्वेश्चन है और इस अटेम्प्ट में ऐसे ही वाला एक क्वेश्चन आया था और बच्चों के होश उड़ गए उस क्वेश्चन सीरियसली बता रहा हूं ऐसे वाला क्वेश्चन आया और ये एम में भी डला था मार्च पर ऐसा वाला आया था पर वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर, ये कर भी लेते तो वो क्वेश्चन लगभग काफी कुछ बना लेते अगर फंसते नहीं तो बना लेते इट मींस अगर ये क्वेश्चन करते तो उसमें आपको फायदा मिल जाता काफी कुछ पढ़ेगी सर बोले मार्केट कैप दिया है किसी कंपनी का पंद्रह सौ करोड़ और मार्केट प्राइस है फिफ्टीन हंड्रेड तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकता है क्या यस सर फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ डिवाइडेड 15 फिफ्टीन तो सर ये वन करोड़ हो गए वन करोड़ क्या आया नंबर ऑफ शेयर्स पैट दिया है टू हंड्रेड करोड़ ठीक है एंड द बोर्ड इज कंसिडरिंग प्रपोजल बाई बैक करना है ट्वेंटी परसेंट ऑफ शेयर्स मतलब सर एक करोड़ का ट्वेंटी परसेंट टू करोड़ शेयर्स बाई बैक करना है और कितने में बोले टेन परसेंट प्रीमियम पर बाईब करना है तो सर पंद्रह सौ प्लस टेन परसेंट सर सोलह सौ सो पचास रुपए में बाई बैक करेंगे तो मैं कितने की जरूरत है पैसे अटका इट प्लान टू फंड थ्रू और जितने भी पैसे की जरूरत है आप बैंक से लोन ले लो क्या के सोलह सौ पचास इन पॉइंट टू सर हमें तीन सौ तीस करोड़ की जरूरत बैंक लोन ले लेंगे कितने परसेंट के हिसाब से सिक्सटीन परसेंट के यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द दोस्ट बाईबैक अर्निंग पर शेयर पोस्ट बाई बैक ई पी एस निकालना है तो सर पैट तो मालूम है दो सौ करोड़ हाँ लेकिन इस लोन पे इंटरेस्ट भी जाएगा सिक्सटीन परसेंट इस लोन पर इंटरेस्ट भी तो जाएगा सिक्सटीन परसेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगी हो जाएगा और टैक्स का रेट है थर्टी परसेंट तो आप टैक्स देख लेंगे ठीक है सर तो कैलकुलेशन ऑफ बायबैक कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट बायबैक ईपीएस ये निकाला पोस्ट बायबैक ईपीएस निकालना नंबर ऑफ शेयर्स निकाला एक करोड़ इतना बाईबैक करना है इतने में करना है इतने पैसों की जरूरत है तीन सौ तीस करोड़ की और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा फिफ्टी टू पॉइंट एट जीरो आफ्टर टैक्स मतलब थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स माइनस हो जाए पैठ दो सौ में से इतना माइनस हो गई तो ये आ गया पोस्ट बाई बैक सिंपल क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आया है जो मैंने यहाँ रेगुलर क्लास के बच्चों को करवाया था वो क्वेश्चन अभी मेरे सामने नहीं है तो प्लीज़ वो क्वेश्चन होगा तो उसके बाद इसको देखोगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी बन जाएगा क्वेश्चन ठीक आठ नंबर का क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन अच्छा था एक्चुअल में अच्छा था ठीक ठीक है सर कर लेना और सर फिर भी हमको पिछला जो मे दो है उसका हमको वो चाहिए वीडियो चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसको मैं बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था तो मेरे ख्याल से ये वाला मैं छोड़ देता हूँ अब आ जाते क्वेश्चन नंबर वन जीरो फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पी क्यू आर लिमिटेड अब कुछ फाइनेंशियल डेटा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एक बार रीड करो फिर मैं डिस्कस कर लेता यस। एक्चुअली ये अकाउंटिंग वैल्यूएशन है मतलब यार ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में कुछ और ही मांग रहा है ध्यान से पढ़ोगे जो मांगा है वो निकाल लेंगे आपकी कंपनी में क्या क्या दिया हुआ सर एट परसेंट डिवेंचर है टेन परसेंट डिवेंचर है इक्विटी शेयर है रिजर्व एंड सरप्लस है टोटल एसेट्स है एसेट टर्नओवर रेशियो है इफेक्टिव इंटरेस्ट दे रखा है ये क्या चीज है पर पता नहीं इफेक्टिव टैक्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिविडेंड पे आउट करंट प्राइस है और रिक्वायर मांग क्या रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाना है भाई सब इनकम स्टेटमेंट याद है सेल्स में से कॉस्ट ये सब देखो कहीं सेल्स दिया तो सर सेल्स को इंग्लिश में टर्नओवर बोलते हैं कि यस और टोटल एसिड दिया है 600 और एसिड टर्नओवर ओवर दिया हुआ है यस 1.1 तो इससे क्या टर्नओवर निकल जाएगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो मैंने क्या निकाल लिया मैंने सेल्स निकाल टोटल टर ऐसी टर्न से और सेल्स निकल गया है सिक्स सिक्स जीरो अब यहां लिखा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब यार ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा बोल सकते हो टेन परसेंट टेन परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन तो सर ऑपरेटिंग मार्जिन टेन परसेंट मतलब ई बोलो ना हाँ ई बी आई तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए नाइन्टी परसेंट तो वही मैंने यहाँ काम किया है छः सौ साठ का नाइन्टी परसेंट माइनस कर दिया तो ये आ गया मेरा ई अब ई में से क्या माइनस करना पड़ेगा सर ई में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा अब इंटरेस्ट मेरा एक मन किया कि इंटरेस्ट कैसे माइनस कर तो मुझे ऐसा मन किया 125 का 8 परसेंट और पचास का टेन परसेंट पर लिखा है टू थाउजेंड सेवन 2007 टू थाउजेंड सेवन का मतलब क्या है टू थाउजेंड सेवन का मतलब है कि आपने ये टेन परसेंट बॉन्ड कब इशू किया था मतलब सर दो हजार सात में इश्यू किया था पर सवाल ये है कि बैलेंस शीट कब की है सर तो ये टू थाउजेंड आठ की है मतलब समस्या क्या है मालूम है टू थाउजेंड सेवन में कौन किस मंथ में इश्यू किया ये सब इंस्टीट्यूट का गलती करवाने का तरीका है उन्होंने कहा कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए ही मत वैसे नॉर्मल आदमी यही करता है 125 का 8 परसेंट पचास का 10 परसेंट वो 2007 को देखता नहीं बोले वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों का मिलाकर वेटेड एवरेज कर लिया और वो हमने ये निकाला इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आठ परसेंट बोले आप इन दोनों का आठ परसेंट निकाल लीजिए दैट्स इट वो हमने इफेक्टिव निकाला हमने वेटेड एवरेज करके निकाल लिया इसलिए वो आठ परसेंट यहाँ माइनस हो गया तो ए बी एटी आ गया टैक्स माइनस हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया नंबर ऑफ शेयर्स किया तो ई पी एस आ गया और डिविडेंड पे आउट रेशियो दी किया तो डिविडेंट पर मैंने पूरा ही इनकम स्टेटमेंट बना लिया ठीक है सर ये तो पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू में क्या मांग रहा है ग्रोथ रेट मांग रहा है ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो मालूम है हमको और रिटर्न ऑन इक्विटी निकल सकता है क्या सर एपीएस पी एस डिवाइडेड बाई पर शेयर ऐसा कुछ होता है ऐसे ही होता होगा वही निकाला कि यार अर्निंग आफ्टर टैक्स है थर्टी वन पॉइंट टू जीरो और डिवाइडेड बाय नेटवर्थ ले लिया कितना फोर हंड्रेड या बुक वैल्यू पर शेयर आंसर उतना ही आना है ठीक है सर बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से तो ये आ गया हमारा बी हमको मालूम है और आर भी हमारा निकल गया तो बी इन टू आर किया तो ग्रोथ रेट आ गया सिक्स और इसके अलावा क्या मांगा है इसके अलावा फेयर प्राइस मांगा है मतलब पी जीरो मांगा है। तो डी वन पता है हमको के ई पता है और ये पता है तो सिक्स पॉइंट फाइव टू और शेयर अंडर प्राइज है कि ओवर प्राइस है तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन ठीक है पर प्लीज ये जो सिंगल सिंगल लास्ट में मैं करवा रहा हूं ना इन क्वेश्चंस को करके जाना प्लीज एक बार बना लेना टाइम है आपके पास अभी टाइम है क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री पढ़े ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब यार ये इंटर का क्वेश्चन है बेसिकली ये सीए फाइनल में है ही नहीं जो मैं करूं। ये सीए पर इंस्टीट्यूट ने एक बार एग्जाम नवंबर 2019 में ये वाला क्वेश्चन दे दिया सीए इंटर का क्वेश्चन कैपिटल तो उसने दिया इंटरेस्ट ईबीआई टैक्स पेट दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है ईपीएस दिया है मार्केट प्राइस दिया और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ टेन टेन बोले तो टीएस लिमिटेड को के पास रिजर्व भी रखा है कितना रुपए रखा है आठ करोड़ और कंपनी को और कितने रुपए की जरूरत है तीन करोड़ एक्सपांसन के लिए एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एट प्रेजेंट 35 एट टाइम्स हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट कितना हो जाएगा फोर्टीन परसेंट हो जाएगा गिवन दिस डेटा ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बताइए कौन सा अच्छा तो है तो समझाया क्वेश्चन समझाया नहीं समझाने वाली कोई बात नहीं है देखो ध्यान से ये आपकी कंपनी है आपकी कंपनी में क्या पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल है हाँ सर हो गई कि ऊपर ऊपर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होगा क्या आपकी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस है यस मैं रुपीज एंड लैक्स में कर रहा हूँ क्या कंपनी में डेट है पहले से यस तो टोटल आपका जो था कैपिटल एम्प्लॉयड वो था दो, दो लाख वो आपने किसी प्रोजेक्ट में लगाया था और उससे ई कितना आ रहा था फाइव हंड्रेड अब आप सोच रहे हैं कि चलो ना यार और लगाते हैं इसकी मदद से क्या आपका रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा सर डिवाइडेड yes? तो तो दूसरा उसने कहा कि यार हमको और कितने पैसों की जरूरत है बोले हमको और कितने की तीन करोड़ मतलब थ्री हंड्रेड लैक्स की जरूरत है और थ्री हंड्रेड लैक्स कैसे व्यवस्था कर सकते हो पहला है कि अरेंजमेंट किसके थ्रू करोगे डेट के थ्रू दूसरा अरेंजमेंट किसके थ्रू इक्विटी के थ्रू और इक्विटी कितने तो हमने कहा यार ट्वेंटी टू हंड्रेड पहले से था थ्री हंड्रेड और आ गया तो यार हमारी कमाई भी तो बढ़ जाएगी और कमाई कितनी हो जाएगी फाइव सिक्सटी एट पॉइंट टू फाइव

अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो थर्टी फाइव परसेंट से ऊपर चला जाएगा तो फिर बोले फोर्टीन परसेंट रेट ले लो तो कहीं एक वर्किंग बनाई गई होगी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो बोले पहले डेट था एक हजार का फिर तीन सौ का डेट और बढ़ गया और कैपिटल एम्प्लॉयड तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है तो फिफ्टी टू परसेंट तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो पैंतीस परसेंट से ऊपर हो गया इसलिए ये फोर्टीन परसेंट लिया और ये एट टाइम्स लिया प्राइस तो तो अभी तो मुझे मतलब सर यहाँ जो है ये जो आया होगा वो तीन सौ लाख का फोर्टीन परसेंट आया टैक्स फिर नंबर ऑफ शेयर ई पी एस और प्रा... उसको प्राइजनिंग रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया सर दूसरे वाले में भी चेक किया होगा यस ये तो बेवकूफ़ी है मालूम है मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग की ऐसी तैसी कर दिया इंस्टीट्यूट ने चलो ठीक है क्या फर्क पड़ता दूसरे में भी डेट इक्विटी रेशो चेक किया पहले से ही बड़ा हुआ था मतलब सर पहले डेट एक हजार के थे ना तभी आपका पैंतीस परसेंट से ऊपर था इसलिए प्राइस अर्निंग रेशो कितना आ गया प्राइस एनिंग रेशो वहां भी सेम आ गया होगा इसलिए यहां एट एट लिया सिक्सटी फोर है फिफ्टी तो ज्यादा अच्छा क्या ये वाला ऑप्शन ठीक है जी तो देखा जाए तो इक्विटी वैल्यूएशन आपका खत्म हो गया मुश्किल क्या था मुश्किल था बॉन्ड बॉन्ड तो मुश्किल था ही इक्विटी वैल्यूएशन खत्म हो इसलिए उसमें ज्यादा क्लासेस भी लगी मेरे ख्याल से दो लेक्चर हुए उसके बॉन्ड के सर तो इक्विटी वैल्यूएशन में और एक छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चन नहीं आते हैं वह है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्यों अभी अब बीच में डाल दिया था अब तो न्यू ओल्ड ये वाला आपका सिलेबस भी खत्म हो गया डाल दिया था तो कर लेते हैं भाई पता नहीं कहाँ काम आ जाए दो मिनट में खत्म करेंगे इसको तो सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना सिर्फ शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर अंदर तो एक साल के अंदर अंदर पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हैं ट्रेजरी बिल से कर सकते हैं गवर्नमेंट इश्यू करती है और टी बिल के विषय में आपको पता है कि रिडीम्ड होता है फेस वैल्यू पर इश्यू होता है डिस्काउंट इसके अलावा कॉमर्शियल पेपर इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक रेपो ये सब पढ़ना है हम लोग ठीक बच्चे बच्चा क्वेश्चन रहेगा थोड़ी छोटी छोटी बात करूँगा बस स्पीड से निकलेंगे हम लोग मतलब यार आने वाले दस मिनट में खत्म करते हैं देखा सपोज मिस्टर एक्स परचेज बिल और कितने में परचेज कर रहे हैं नाइन नाइन फोर जीरो नाइनटी वन डेज और कितना है फेस वैल्यू दस हज़ार देखो यार फायदा कितना अगर मैं कहता हूं दस हजार मिलेगा लग कितना रहा है नाइन नाइन फोर जीरो अगर बात होती है कि यार बताओ ना इन्वेस्टमेंट कितना रेट ऑफ आर वाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ तो यार लगाया कितना था 9940 तो नीचे क्या आएगा 994 लेकिन बात आती है डिस्काउंट डिस्काउंट तो, तो हमेशा फे, फेस वैल्यू पे होता है जब बात आएगी कि डिस्काउंट तो यहां 99 यहाँ कितना हो जाएगा 10000 मैंने कहा दो बातें होती हैं एक होता इन्वेस्टमेंट यील्ड और एक होता डिस्काउंटेड तो इन्वेस्टमेंट यील्ड में बाकी तो फिर आप इसको एनालाइज कर सकते हो ये 91 दे कब है बस काम की चीज ये है इन्वेस्टमेंट यील्ड में नीचे रहेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इसी को क्या बोलते हैं बॉन्ड इक्विवेलेंट यूल्ड और डिस्काउंट रेट में नीचे रहेगा फेस वैल्यू ठीक बस इतना याद रखना 92 91 days, करना है डिस्काउंट तो नीचे क्या रहेगा फेस वैल्यू अब तो कर लोगे बताइए कितना पे करेंगे हो जाएगा एक्स मान के काम कर लेना आंसर जाएगा या पांच हजार में से ही सीधा माइनस कर दे ये और एक क्वेश्चन रहा होगा पता नहीं स्पीड से कर दिया क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन कर रहा हूं ये क्वेश्चन ना ये पता नहीं कोई क्वेश्चन रहा होगा मेरी बुक में उसका सॉल्यूशन मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो पढ़ने का सेंस नहीं है ठीक क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन अच्छा लिखा वंडरलैंड लिमिटेड भाई साहब एक्सेस कैसे इनके पास कितना रुपए एक्सेस रखा हुआ बीस लाख रुपए एक्सेस और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक्सपेंसेस भी है इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिफ्टी थाउजेंड का एक्सपेंस और सिक्योरिटी से कमाई कितनी की हो रही है नाइन परसेंट की यह है एनुअल एनुअल तो कंपनी आपसे पूछना चाहती है कि बताइए भाई कितने पीरियड के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमारी कमाई पांच परसेंट की हो जाए इट मींस बीस लाख का पांच परसेंट एक लाख वो कह रहा है कि वैसे तो आप नौ परसेंट देते हो पर मुझे एक लाख ये चाहिए और जो ख़र्च होने वाले वो तो चाहिए चाहिए तो मुझे वन लैख फिफ़्टी थाउज़ेंड चाहिए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वैसे तो अगर मैं इन्वेस्ट करूँ बीस लाख का नौ परसेंट वन लाख एट्टी थाउजेंड वैसे तो ये मुझे साल भर में कमा कर देगी एक लाख अस्सी हज़ार अगर मैं पूरे एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट पर मुझे एक कस्सी चाहिए नहीं मुझे चाहिए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो क्या आप बता सकते हो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड के लिए बारह महीने में तो एक सी दे रहे हो मुझे बारह महीने के लिए नहीं कम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बताओ क्या करें तो सिंपल है आराम से निकल जाए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड चाहिए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नाइन परसेंट या एक्स ले लिया हालांकि कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन होने वाला था तो सर टेन मंथ में आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा विथ एक्सपेंस वि जो चाहते हो वो मिनिमम पीरियड मिनिमम पीरियड बताइए ब्रेक ब्रेक निकालने के लिए ब्रेक इवन का मतलब यार जो खर्च हो रहा है, पचास हजार बस उतना तो वो भी हो जाएगा, आंसर जाएगा थ्री पॉइंट थ्री थ्री मंथ में ब्रेक इवन हो जाएगा जो पैसा लग रहा ना इन्वेस्टमेंट में वो पैसा रिकवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट स्टडी मैट का क्वेश्चन सेट कंपनी लिमिटेड issue कमर्शियल पेपर कितने रुपए का इश्यू कर रहा दस करोड़ इश्यू कब कर रहा है सर सोलह जनवरी और कब रिडीम्ड हो जाएगा सत्रह जनवरी पीरियड कितना नाइनटी वन डेज और इंटरेस्ट कितना है ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर सर ये क्या है ये फेस वैल्यू तो बताइए कि कितना अमाउंट रिसीव करेगा कंपनी इन कॉमर्शियल पेपर को इश्यू करने में भाई आप मेरे कस्टमर कॉमर्शियल पेपर इश्यू कर रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं दूंगा दस करोड़ नाइन्टी वन डेज बाद उसका डिस्काउंटिंग कर लेंगे ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर परसेंट नाइन्टी वन डेज़ का सिंपल है यार आराम से काम हो बाकी तो मैंने एक्स लगा किया या दस करोड़ मिलेगा मैं अभी मुझे कितना पैसा मिलेगा एक्स ऐसा भी कर सकते हूँ यार सिंपल बिल्कुल सिंपल दस करोड़ का डिस्काउंटिंग कर लो अच्छा हो जाएगा ना सर हो जाएगा मैं इन सब इन सब टॉपिक में ज्यादा फंस नहीं रहा हूं मैं स्पीड से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक कुछ है नहीं आता ही नहीं एग्जाम में तो क्यों ज्यादा मैंने क्वेश्चन नंबर द फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना पर वही है कि जब इतना टाइम खराब कर चुकी हैं तो पंद्रह मिनट में क्या जा रहा देख लेते हैं ना कि क्या होता है बस मेरा ये क्या

तो सर नाइन सर ये एनुअल निकालना पड़ेगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको पर एन यस पहले क्या किया पहले मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला एक लाख माइनस ये डिवाइडेड बाय ये इन टू हंड्रेड तो सर ये आ गया टेन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट एक तो ये आ गया पॉइंट वन फाइव परसेंट थ्री मंथ का पॉइंट वन फाइव इंटू फोर तो ये पॉइंट सिक्स परसेंट आ गया ब्रोकरेज पर एन निकाल रहा हूँ रेटिंग चार्जेस एक ही बार लगने वाला और स्टैंप ड्यूटी लगने वाला तो इफेक्टिव कॉस्ट आ गया 11.85 पॉइंट एट फाइव परसेंट ये पूछा था उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था तो ये आ गया और टोटल कॉस्ट पूछा था तो वो आ गया उधर कियाट फाइव ठीक है हाँ बोलो हाँ सर चले आगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन और सुनो एग्जाम में भी आया था मई दो हजार उन्नीस में इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आता नहीं है आ भी सकता है वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है इतना सिंपल टॉपिक है जी सर चलो बढ़ते so करेंट कितना है सिक्स परसेंट और करेंट यील्ड बढ़ के हो जाएगा दो सौ बेसिस पॉइंट का मतलब हो जाएगा आठ परसेंट जिससे मार्केट प्राइस गिर जाएगा कितने से दो रुपए पचास सर एक बात समझ छः परसेंट से आठ परसेंट गिरता है मतलब सर ये दो परसेंट से डाउन हो रहा है यस तो सर ये भी दो रुपए पचास पैसे से डाउन हो रहा है यस तो कुछ तो निकलेगा यस कुछ तो निकल जाएगा तो सर ऐसे ही कर सकते हैं ना अगर सीधा सीधा अगर हम हाँ एक्स वैक्स ना लगाए हालांकि मैंने प्रॉपर करवाए क्वेश्चन एक्स वैक्स ना लगाए इन दोनों के बीच का डिफरेंस यस सर टू परसेंट पर टू कितने दिन का है फोर्टी फाइव डेज का तो टू इन टू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो सर ये जो है ये ये चेंज अगर ये चेंज कितने का है पॉइंट डबल ज़ीरो टू फाइव ये किसके बराबर है दो रुपये पचास पैसे तो सीधा सीधा अमाउंट निकल सकता ना सर टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड पॉइंट डबल जीरो टू पॉइंट फाइव पॉइंट डबल जीरो टू फाइव तो सर आंसर आ गया वन थाउजेंड फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड मैं क्या कहना चाहता हूँ काश आपके समझ में आ जाए तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दो परसेंट फोर्टी फाइव डेज का निकाला तो आ गया पॉइंट जीरो टू फाइव और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि बोले ढाई रुपये से चेंज होगा तो ढाई रुपये बराबर है किसके पॉइंट जीरो टू फाइव पॉइंट डबल जीरो टू फाइव के तो फेस वैल्यू आ जाएगा और फेस वैल्यू कितना आ गया फटाफट से काम कर लेते हैं सर फेस वैल्यू फाइनल 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 कितना आ गया सर फेस वैल्यू आ गया वन थाउजेंड सर ऐसे क्यों करवा रखा ये मैं समझाने के लिए करवाया था बच्चों को आप सीधा भी कर सकते अब मुझे निकालना बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बॉन्ड इक्वीव सर छः परसेंट पे निकालना है कि आठ परसेंट पे दोनों निकाल लो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड नीचे करंट मार्केट प्राइस आता सबसे पहले छः परसेंट पे छः परसेंट पर करंट मार्केट प्राइस क्या था तो छः परसेंट से डिस्काउंटिंग कर रहा हूं मैं कैसे कर रहा हूँ क्या बॉन्ड का मुझे फेस वैल्यू मालूम है यस सर हज़ार सर डिस्काउंटिंग करेंगे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ यार एक हजार का फेस वैल्यू है उसका फोर्टी फाइव डेज बाद है डिस्काउंटिंग रेट है छह परसेंट तो डिस्काउंटिंग कर दिया ठीक है सर तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर नाइन नाइन टू एक हज़ार नाइन नाइन टू नाइन नाइन टू आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो फाइव पर सिक्स परसेंट ही होगा टाइम पास कर ठीक है सर ये कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर ये भी क्वेश्चन अच्छा और ये डला हुआ है एम टी पी मार्च और अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में ठीक है सर तो इसको भी देख ले कि एक बार हाँ सर देख लेते रेपो शब्द लिखा है सर है क्या रेपो वो मैं समझा देता हूँ पर सुनो ध्यान बैंक ए और बैंक मान लो बैंक ए को चाहिए लोन पैसा तो बैंक ए क्या करता है कि पैसे चाहिए तो बदले में कुछ ना कुछ एसेट दे देता है सेल कर देता और वापस उसी को क्या कर लेता है रिपर्चेस कर और रिपर्चेस करके इसको लोन चुका देगा तो ये वापस क्या करेगा रिपर्चेस करेगा इसे रेपो बोला जाता है बहुत ज़्यादा चीजें मैं समझा नहीं सकता अब एसेट्स में बॉन्ड्स वगैरह भी हो सकते तो बैंक ए एंटर इनटू अ रेपो फॉर फोर्टीन डेज और ये ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है कितने दिनों के लिए हो रही है फोर्टीन डेज के लिए

करोड़ का क्या आठ करोड़ का लोन नहीं है आठ करोड़ का है गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऐसा कुछ बता रहा है अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है डर्टी प्राइस में, में अगर उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा, सॉरी

टेन परसेंट के हिसाब से टू सिक्सटी टू डेज का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा डर्टी प्राइस तो पहले वो काम करें पहले हम डर्टी प्राइस निकाल लेंगे ठीक है नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर टू में सौ रुपए का टेन परसेंट दोस्तों तो ये आ गया सर डर्टी प्राइस आ गया वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवन जीरो ठीक है यहाँ तक हो गया ठीक है सर ये बात तो हमको समझ में आती है अब सुनोगे ध्यान से कितना बोरइंग करोगे अब ये इम्पोर्टेंट है बस ये तो वैसे भी हो जाता सर कितना रुपया बोरो करोगे जो आप टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है उसका फेस वैल्यू कितना सर उसका फेस वैल्यू है आठ करोड़ और मान लो एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है सौ तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए और उसका एक्चुअल में प्राइस कितना है इंटरेस्ट मिलाकर सर एक्चुअल में प्राइस है उसका एक सौ छह रुपए सत्तर पैसे आज आज दो सौ बासठ दिन का इंटरेस्ट भी कोई चीज है यार मैं दे रहा हूं आपको तो उसकी वैल्यू तो मुझे मिलनी चाहिए ना यार उसकी वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू नाइनटी नाइन पॉइंट फोर टू नहीं है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू है ना एक सौ रुपए सत्तर तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं बैंक बी में अगर आपको बॉन्ड्स दे रहा हूँ तो उस बॉन्ड्स की मुझे जो आप दे रहे हो ना पैसा उस बॉन्ड्स की वैल्यू गोल्ड रखते हो ना आप गिरवी अगर गोल्ड में दस हज़ार का रख रहा हूँ और मुझे उसका वैल्यू तो चाहिए आप मार्जिन काट के दो पर मुझे पैसा तो दो ना यार यस तो मैं बस वो गिरवी वो एग्जाम्पल के लिए बोला हूँ मैंने आप तो सर यहाँ आ गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हम गिरवी रख रहे हैं जो दे रहे हैं सामने वाले को उसका एक्चुअल प्राइस है एक सौ हालांकि वो पूरा एक सौ नहीं देगा मार्जिन काट के देगा गोल्ड में भी ऐसी होता है तो मार्जिन काट के इतना पैसा मुझे उधार मिलेगा और फिर चौदह दिन बाद इस पे फाइव इंटरेस्ट मुझे इतना रिपेमेंट करना पड़ेगा वही मांगा था रिपेमेंट एट मेच्योरिटी अच्छा क्वेश्चन है चले जी आगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट बस खत्म होने वाला दो क्वेश्चन सर लेकिन मानना पड़ेगा सारे क्वेश्चन खत्म कर दिया क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट पढ़े टाइगर लिमिटेड इज प्रेजेंटली वर्किंग विथ एन ई बी आई टी कितना रुपये नब्बे लाख सर अभी ई बी आई टी दिया हुआ है नब्बे लाख ई बी आई टी दिया हुआ है नब्बे लाख प्रेजेंट बोरिंग और अभी बोरिंग दे रखा कि बोरिंग कौन कौन सा टर्म लोन है बारह परसेंट और साथ में ये वाले लोन भी है ठीक है company, हो जाएगा। this, और, बदले में और सौ लाख रुपए का और बोरिंग करने का सोच रहा है कितने परसेंट के हिसाब से सोलह परसेंट के हिसाब से इसकी वजह से ए बढ़ जाएगा कितने परसेंट से फिफ्टीन परसेंट मांग क्या रहे हो भाई बोले आप बताइए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में चेंज होगा कि नहीं होगा एडिशनल बारे में और आप इस पे कमेंट्स कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ही नहीं है तो सी एंटर का क्वेश्चन सर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है क्या चीज ईबीआईटी बी आई टी मान लो ईबीआईटी है पांच लाख इसमें से माइनस क्या करते हो भाई इंटरेस्ट और मान लो इंटरेस्ट है एक लाख तो इंटरेस्ट के ऊपर एक छाता बना दिया छतरी कि यार जो इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट हमको देना है उससे ईबीआईटी हमारा हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं सर पांच गुना ज्यादा यस अगर मुझे इंटरेस्ट देना भी पड़े ना ऐसे में पांच बार इंटरेस्ट दे सकता हूँ तो ज्यादा होना चाहिए ज्यादा वो बता रहा है कि यार ऐसा जो इंटरेस्ट दे रहा है ना ऐसे तो हम कई बार दे सकते हैं ऐसा इंटरेस्ट हम खूब कमा रहे हैं ये बताने की कोशिश कर तो अभी हमें क्या करना हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है इस सिचुएशन में फिर इंटरेस्ट कवरेज रिश्व निकालना है दूसरी सिचुएशन में और देखना कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो तो फॉर्मूला एबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में डेट है तीन सौ का बारह परसेंट दो सौ का पंद्रह परसेंट सौ का सेवेंटी सेवन और एबीआईटी तो नाइनटी नाइन हमको पता है ए बी है भाई अच्छा नाइन्टी को हमने कितने नाइन्टी नाइन कैसे आ गया नाइन्टी को पंद्रह परसेंट से बढ़ाया होगा तभी नाइन्टी 9 कहाँ से 99 कहां लिखा नाइन्टी नाइन कहाँ लिखा सर नाइन्टी ही तो लिखा सॉरी नाइन्टी डिवाइडेड बाय सेवन ये आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर हम प्रपोज पॉलिसी ले तो बोले ई पंद्रह परसेंट से बढ़ जाएगा ठीक है और इंटरेस्ट सौ लाख का एडिशनल डेट है तो नाइनटी थ्री हो जाएगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये आ गया और इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो कम हो गया तो भैया हमको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए बात खत्म ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन का लास्ट क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और ये एक्चुअल में अकाउंटिंग का क्वेश्चन होना चाहिए था अकाउंटिंग का क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ तो देख ले कि एक बार तसल्ली हो जाएगी कहीं ये आ गया तो तो कम से कम हमारे बुक में तो हम देख ही लेते कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है सन लिमिटेड का थर्टी फर्स्ट मार्च 2003 का शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% डिबेंचर और रिजर्व ठीक है और एवरेज बिफोर रिडक्शन और इस पर इनकम टैक्स माइनस नहीं हुआ तो माइनस कर देंगे और इनकम टैक्स कितना माइनस कर देंगे थर्टी फाइव परसेंट और साथ में हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस कर देंगे ठीक है मतलब कहने की बात ये है सर कि ये ई दिया हुआ है यस ये दिया है EBIT. नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड और ये दे रखा है नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट क्यों दिया मुझको खुद को नहीं मालूम पॉइंट नंबर ए लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड इज एटलीस्ट थ्री टाइम्स ये भगवान ये क्या चीज है और आके दिया कैपिटल गियरिंग रेशियो पहली बार आया पॉइंट कैपिटल गियरिंग Yield on, on share is calculated at 50 of of profit profit. distributed and undistributed क्वेश्चन एक परसेंट भी समझ में आया नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं मालूम इसलिए कोशिश क्या रहनी चाहिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहले पता करें रिक्वायरमेंट ठीक है और उसके बाद पहले लास्ट का पढ़ो उसके बाद फिर से पढ़ो यही एक तरीका ठीक है और रेगुलर डिविडेंड आठ परसेंट सबसे पहले सर मांग क्या रहा है ये तो देखो हमें निकालने के लिए बोल रहा वैल्यू पर इक्विटी शेयर वैल्यू पर शेयर निकालना यस yes. बोल रहा है वन परसेंट ऑफ एवरी टाइम डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेश पर पता नहीं है भगवान हमें तो वैल्यू पर शेयर निकालना हमको मालूम और वैल्यू पर शेयर हम ऐसे निकालते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय यही काम खत्म फिर कैसे निकालना ये वाला पॉइंट बोल रहा सुनना ध्यान से बस सर का मतलब बोले वो कैसे लेना सुना अब 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 काम की चीज ये क्वेश्चन अच्छे से करना पड़ेगा तभी लेना येल्ड। मतलब जिससे आपको डिस्काउंटिंग करना है सर डिस्काउंटिंग करने के लिए तो रेट दिया हुआ है नाइन पॉइंट सिक्स कर रहे है ना भाई रुक तो जाओ एक बार जो ये ले ना बोले जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको फिफ्टी परसेंट वेट दे देना और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको पांच परसेंट गिवन है तो उसको हम चैलेंज नहीं करते फिर भी थोड़ा सा समझाओगे थोड़ा सा समझाऊंगा पहले भाई एक काम करो डिविडेंड तो निकालते फिर सोचेंगे क्या करना तो पहले क्या किया ए दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया एबीटी टैक्स माइनस किया अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है वो भी माइनस किया तो अर्निंग आ गया बारह लाख साठ हजार और डिविडेंड कितना देना है कहीं लिखा था कि डिविडेंड कंपनी जो है वो 8 परसेंट डिविडेंड दे रही है आठ मतलब जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल है अस्सी लाख का आठ तो डिविडेंड दिया जा रहा है छह लाख चालीस हजार तो टोटल था सर बारह लाख कितना साठ हजार आठ सौ इसमें से डिविडेंड दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है छह लाख चालीस हजार और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और वो है छह लाख बीस हजार अब जब हम कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालते हैं तो ये भी एक तरीका होता है कि यार जो पैसा मिल गया उसको ज़्यादा वेट दीजिए और जो कंपनी पैसे बचा के रखे ऐसा नहीं बोल सकते कि डिविडेंड पर ही फोकस कीजिए आप डिविडेंड पे फोकस नहीं कर सकते कंपनी जो रिटर्न कर रही है वो भी तो उससे भी तो शेयर की वैल्यू पर फर्क पड़ता है तो इनका ये कहना है कि हालांकि जो मिल गया वो उसका वेट ज़्यादा है बोले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको वेट दे दीजिए आप फिफ्टी परसेंट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको वेट दे दीजिए फाइव परसेंट बोला है तो उसको और उसी को आप कमाई मान के चलो उसी को आप मान बोले हमने कहा चलो ऐसे कर लेंगे कर लेंगे पर इन सबसे पहले मुझे कुछ रेशो निकालना पड़ेगा यस और पहला रेशो कौन सा निकालना पड़ेगा कैपिटल गियरिंग रेशो कहीं ना कहीं करवाया होगा कैपिटल गियरिंग रेशो सर कैपिटल गेयरिंग रेशो होता क्या है हमारा पैसा और दूसरों का पैसा ऐसा पैसा जिसपे हमें फिक्स देना ही होता है सर फिक्स रेट फिक्स इंटरेस्ट फिक्स डिविडेंड मतलब सर ऊपर आएगा प्रोफेन्शियल कैपिटल प्लस डेट और नीचे आएगा इक्विटी यस yes. और वो मैंने निकाल लिया और वो आ गया पॉइंट नाइन थ्री अब बताओ कैपिटल गेयरिंग रेशो रिस्क ज्यादा की कम सर कैपिटल गियरिंग रेशो की बात करोगे जिसमें गियरिंग रेशो ज्यादा है मतलब यार ऐसी कैपिटल ज्यादा जिसपे हमको फिक्स देना है तो सर रिस्क ज्यादा है रिस्क ज्यादा है ठीक है अभी हमको इतना समझ में है कैपिटल गियरिंग रेशो निकाला मैंने और पॉइंट नाइन थ्री उसके बाद उसने कहा कि कवरेज रेशो निकालो और कवरेज तो तो ऐसे जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो था तो ऊपर इंटरेस्ट और ऊपर ई डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऐसे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना पैट शुरू में लिखना तो पैट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड होगा यस पर ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया पूरा रेशो तो नहीं समझा सकता इसको तो रट्टा मार लेना भाई कवरेज किस किस का करना इंटरेस्ट हो तो नीचे तो ये रहेगा रहेगा ऊपर पैट रहेगा बस ऊपर इंटरेस्ट क्यों ऐड किया है लॉजिक क्या ये मैं पूरा समझा नहीं पाऊंगा तो ये 2.16 अब मेरा ये बताइए कवरेज रेशियो अगर आपका ज्यादा है तो सर अच्छा है कम रिस्क है कवरेज रेशियो ज्यादा तो रिस्क कम है अब रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपको लेना कितना चाहिए था 9.6 परसेंट अब यहां से समझने की सुना तो क्या कहना सर इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाया हाँ बैठे अब क्या कहना चाहता है? सुनना ध्यान जो दूसरी कंपनी उसका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रिटर्न कितना है सर नाइन पॉइंट सिक्स पर लेकिन एक दिक्कत है कि बोले जो प्रॉफिट आफ्टर मतलब सर जो कवरेज रेशियो है वो कितना होना चाहिए बोले वो होना चाहिए थ्री टाइम्स दूसरी कंपनी का थ्री टाइम्स और हमारी कंपनी का कवरेज रेशो कितना निकला? सर हमारी कंपनी का कवरेज रेशो निकला था कितना? 2.16 सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है भाई साहब कौन ज्यादा रिस्की हम ज्यादा रिस्की उसका तो थ्री टाइम्स है हमारा तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए इट मीनस वैसे तो मुझे 9.16 ले लेना चाहिए पर कवरेज रेशियो क्योंकि हमारी कंपनी का कम है तो कितने से कम है पॉइंट से तो मुझे पॉइंट एट कर देना पड़ेगा क्यों रिस्क की वजह से और सर कहा लिखा है ये बात ये लिखा है वन परसेंट लेना है एवरी टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो में जो भी डिफरेंस है इंटू वन कर देना कवरेज रेशो में नहीं कवरेज रेशो में और कैपिटल गियरिंग रेशो में जो भी डिफरेंस है अगर रिस्क ज्यादा है तो इन टू क्या कर देना टू कर देना ऐसा लिखा हुआ तो इसलिए मैंने जो गियरिंग गियरिंग है कितना है कितना सामने वाली कंपनी में कितना होना चाहिए देखो अब फिर से बढ़ा दो गियरिंग रेशो कितना होना चाहिए पॉइंट सेवन फाइव और हमारा गियरिंग रेशो कितना निकला कहीं ना कहीं तो निकाला था मुझे याद नहीं कहा निकाल ये निकाला था गियरिंग रेशो पॉइंट नाइन थ्री मतलब यार ज्यादा रिस्क है ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस है पॉइंट से वन होना क्या करें काम ये करें कि जो भी डिविडेंड है उसको डिस्काउंटिंग करेंगे सर ये डिविडेंड कैसे निकला वो मैं आपको अर्निंग कैसे निकला फोर पॉइंट थ्री नाइन को डिवाइड किससे करूंगा टेन पॉइंट 80 से तो आंसर आ गया सवाल है ये आया कैसे तो अब ध्यान से देखो। का हमने वेट दिया था और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वेट दिया था तो ये आ गया था थ्री फोर फाइव वन जीरो फोर जीरो इसी को आप यील्ड मान लेना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आंसर आ गया फोर पॉइंट थ्री नाइन इसको यहाँ लिखा और डिस्काउंटिंग तो आंसर आ सर ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है हाँ है सब जानते तो हमारा खत्म हो रहा है खत्म हो गया सिक्योरिटी वैल्यूएशन अब अगला चैप्टर कौन सा रिवीजन करूंगा सर अगला चैप्टर होगा बिजनेस सॉरी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन एएफएम में नाम हो गया ना तो इसलिए वो बोलने की आदत होगी अगला टॉपिक होगा कॉर्पोरेट वैल्यू अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारा डेरिवेटिव हो गया और हमारा फॉरेक्स भी करवा दिया आपने इसके अलावा आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी करवाया है सिक्योरिटी वैल्यूशन भी हो गया तो इसके टेस्ट वगैरह देने की इच्छा है तो दस तारीख के बाद में टेस्ट का भी आपको अपलोड कर दूंगा चाहो तो टेस्ट भी दे देना दे वो आपकी मर्जी दस तारीख़ तक टारगेट ये है कि हम रिविज़न पूरा कर लें ठीक है थैंक यू सो मच बाय